الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم पैगम्बर आप बुलंद तरीन अखलाक की मंजिल पर फायज हैं। आयत करीमा के ज़ैल में आगाज़ माह मुबारक के साथ जो सिलसिला कलाम अखलाक इस्लामी और सीरत अहलबैत के उन्वान से शुरू हुआ था, उसके 26वें मरहले पर कुछ बातें नजवा और मुनाजात से मुताल्लिक़ गुजारिश करना है। जब दो बंदे आपस में खुफिया अंदाज से खामोशी के साथ राजदाराना गुफ्तगू करते हैं तो उसे नजवा कहा जाता है। और जब बंदा इसी अंदाज से अपने मालिक से बात करता है तो उसे मुनाजात कहा जाता है। इस्लामी अखलाकियात में नजवा के आदाब भी तय किए गए हैं और मुनाजात के आदाब भी तय किए हैं कि अगर इंसान इन आदाब से बाहर निकल जाए तो फिर ये नजवा उसके वास्ते बला और ये मुनाजात नाकाबिल कबूल। कुरान मजीद ने भी इन हक़ायक़ का जिक्र किया है और रवायात में एक बुरा सिलसिला है इन दोनों मौज़ूआत से मुताल्लिक़। अगरचे नजवा दो इंसानों की राजदाराना और खुफिया गुफ्तगू का नाम है, मगर आम तौर से लोगों के दरमियान ये अंदाज उसी वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई साजिश करना होती है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में उस नजवा और उस राजदाराना गुफ्तगू की शदीद मजम्मत की है कि जिसका मकसद कोई साजिश हो। इन्नमा नजवा मिन शैतान। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी बातें, ऐसा अंदाज और ऐसी खुफिया गुफ्तगू ये शैतान की तरफ से होती है। क्यों होती है? ताकि इस अंदाज गुफ्तगू से साहिबान ईमान को परेशान किया जाए। क्योंकि अजीब गरीब बात है, आप जरा इसकी गहराइयों पर गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि दो चार आदमियों से लेकर और 100-200 आदमियों तक या उससे ज़्यादा। कभी ऐसा होता है कि एक मकाम पर लोग जमा होते हैं और बंद कमरे में मीटिंग हो रही है, न कुछ तय होना है, न कुछ पास होना है, न कोई एजेंडा है, न कोई मकसद है। इसलिए कि लोग खाली ये मालूम करके कि बंद कमरे में कुछ तय हो रहा है और खामखा दहशतज़दा हो जाए। जितने बड़े बड़े लोग बैठ गए हैं बात करने के लिए, अगर इन्होंने कोई फैसला कर लिया तो गया सारी दुनिया आज ही पना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो जितने दुनिया के गरीब, कमज़ोर, छोटे आदमी, छोटे मुल्क सब लरज़ रहे हैं। देखिए क्या होता है। कुरान मजीद ने 1400 साल पहले इस सूरत हाल का ऐलान किया था। इन्नमा नजवा मिन शैतान लियहज़ुना बिही लज़ीना आमनू। ये शैतान जो आपस में बैठ के ऐसी मीटिंग करते हैं, ऐसी राजदाना गुफ्तगू करते हैं, उसका मकसद सिर्फ होता है कि साहिबान ईमान को हज़ीन और रंजीदा बना दिया कि बेचारा मोमिन परेशान है, देखिए क्या भला आने वाली है, क्या क़यामत आने वाली है। हालांकि इंशाल्लाह जो क़यामत आने वाली है वो इन्हीं के सर पर आने वाली है, ईमान वालों के सर पर आने वाली नहीं। और यही वजह है कि जैसे ऐसी साजिशें करने वाले हैं वो खुद ही अपनी साजिशों में मुब्तला रहते हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि इंसान कमजोरों के सामने अपनी हैसियत बना लेता है और बड़ों के सामने, बराबर वालों के सामने हैसियत खो बैठता है। इस नुक्ते पर आप जरा तवज्जो फरमाएं। मिसाल के तौर पर हम चार आदमी अपने गांव में, महल्ले में बड़े लोग हैं और बाकी जो बेचारे गुरबा, फुकरा, मसाकिन, तो अगर हमने ये ऐलान कर दिया कि हम चार आदमी आज बैठ के तय करेंगे कि महल्ले वालों के साथ क्या बर्ताव किया जाए, तो जब तक कोई बर्ताव फैसला सामने ना आ जाए उस वक्त तक महल्ले का हर गरीब आदमी परेशान है, लरज रहा है, कांप रहा है कि चारों बड़े आदमी बैठ गए, देखिए क्या होता है। किस महल्ले को सुबह खोद डाला जाएगा, किस इलाके को तबाह कर दिया जाएगा, किसको फांसी में लटका दिया जाएगा, किसको तहतेक कर दिया जाएगा, किसको जेल में डाल दिया जाएगा, किसकी जायदाद, जब तो कुछ नहीं मालूम। तो जितने छोटे कमजोर हैं वो सब लरज रहे हैं और चारों आदमी बैठे वहां बातें करते रहे, चाय पीते रहे, सिगरेट पीते रहे और चले गए। इस पूरी मीटिंग का एक फायदा हुआ, एक नुकसान हुआ। अगर छोटे आदमियों को देखें तो उनके दिलों पर सबकी दहशत बैठ गई, खुदा जाने क्या होने वाला है। मगर ये बाकी तीन जो बैठे हुए हैं, हर एक के साथ, अगर चार आदमी हैं एक आदमी, उसके साथ तीन और बैठे हुए हैं। ये बाकी तीन जो हमारे साथ या आपके साथ या उनके साथ बैठे हुए हैं, इन्हें तो हमारी औकात का अंदाजा हो गया कि ये बैठते हैं कोई फैसला करने के लिए, तो कोई फैसला नहीं होता है, ना इनके पास कोई मौजूद होता है। यानी इसके बाद अगर इनके सामने कोई मौजूद आए कि चार और बड़े वाले कहीं बैठे हैं तय करने के लिए, तो इनके दिल पर कौन सी दहशत होगी? इनको तो मालूम जब हम बैठते हैं तो क्या करते हैं, जब ये बैठेंगे तो क्या करेंगे। यानी जिन पर आदमी को रोब कायम करना चाहिए उनके सामने तो औकात खत्म हो जाती है और रोब उन पर कायम किया जा रहा है जिन बेचारे पहले ही से मरूब हैं, उनके गरीबों के औकात क्या हैसियत ही क्या है। तो इस तरह की बातें, इसका मकसद कुछ नहीं होता सिवाय इसके कि लोगों में दहशत फैला दी जाए, लोगों को खामखा परेशान कर दिए जाए और कुछ नहीं। तो परवरदिगार आलम ने ऐसे मौके पर साहिबान ईमान को मुतमईन किया, तुम परेशान न होना, और ऐसी साजिश करने वालों और मीटिंग करने वालों की भी होशियार किया। मा यकून मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिअहुम, जहाँ तीन आदमी बैठ के ऐसी साजिशी बातें करते हैं उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि वो तनहा नहीं है, खुदा भी वही है। जहाँ ये बातें हो रही हैं खुदा भी इनकी बातों को सुन रहा है। ये समझे कि हमने तय कर लिया और हमारा फैसला आउट नहीं होने पाया, इसलिए बंद कमरे की मीटिंग है और सबको कसम दिलवा दी गई, सबको अहद करा लिया गया, खबरदार यहाँ की कार्रवाई बाहर न जाने पाए। परवरदिगार ने कहा बाहर जाएगा ना जाए, कार्रवाई बाहर जाएगी तो बाहर वाले तुम्हारे बारे में सोचेंगे, मगर जिसके लिए बाहर अंदर में कोई फर्क ही नहीं, जो रगे गर्दन से ज्यादा करीब है, जो दिल के एक एक राज को जानता हो, तो देख ही रहे यहाँ क्या हो रहा है। यानी ये कार्रवाई बाहर जाए या न जाए, वो अगर कोई कार्रवाई करना चाहेगा तो वो कार्रवाई अंदर भी आ सकती है। हाँ, यार जितने साजिशी लोग हैं उनको होशियार रहना चाहिए कि दुनिया इनके अमाल से गाफिल हो सकती है, मगर परवरदिगार काफिर मा यकून मन नजवा सलासा, जहाँ तीन आदमी बैठ के साजिशें करते हैं समझे इल्ला वहुवा राबिअहुम, समझे कि इनका चौथा खुदा है। और अगर पांच इकट्ठा हो जाएं तो साजिशहुम छठा खुदा है, चार हैं तो पांचवा खुदा है, पांच है छठा खुदा है, तीन है चौथा खुदा है। यानी बाहर जितने इकट्ठा हो जाएंगे समझे एक अभी और है, उसकी निगाहों से कोई बच के नहीं जा सकता। या अलम खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, परवरदिगार ने अपने इल्म की गहराइयों और बारीकियों का ऐलान किया। हम तो निगाहों की खयानत को भी देखा करते हैं। आदमी नजर बचा के कोई नहीं देख रहा है, इधर देखने लगा उधर देखने लगा, जरा सा पलकों इधर से उधर किया और दाहिने बाएं ऊपर नीचे जो चाहा देख लिया। इस एहतियात के साथ कोई देखने वाला नहीं है। भाई इसी जगह पर जहाँ इंसान जरा मुतमईन होने पाया था, एक ऐसा काम हो गया जिसकी किसी को इत्तला नहीं है, परवरदिगार ने वहीं पकड़ लिया। यालमु खाइनतल आयुन, आंखों की खयानत को भी हम जानते हैं, हमसे कोई छिपके नहीं जा सकता है। इंसान ने सोचा लीजिए ये तो आंखों की खयानत, इशारे भी पकड़े जाते हैं। लिहाजा आइंदा आंखों से भी इशारा न करेंगे, सब बातों को दिल में रखेंगे, ताकि जब वक्त आए तो इकट्ठा उसके ऊपर अमल हो जाए। कब वमा तुख्फी सुदूर, जो सीने के अंदर छिपा के रखा है वो भी जानते हैं। यानी दो ही जरिए आदमी के पास साजिश के थे, या बात को दिल में रखा जाए या इशारों में तय कर लिया जाए, ताकि लफ्जों की गिरफ्त तो होने पाए। खुदा ने कि मुझे ये भी मालूम है वो भी मालूम है, यानी साजिश हरे से छुपाई जा सकती है, परवरदिगार से कोई पर्दा नहीं किया जा सकता। ये सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। और यही नजर आप परवरदिगार के कर्म को देखिए। माह रमजान के चलते चलते इन हकायक को हम आप पहचान लें, खुसूसियत के साथ माह रमज़ान की 27वीं शब, जो बाज़ रवायात की बिना पर शब कदर भी है, और बाज़ रवायात में तो ये है कि 20 तारीख के बाद से हर ताक रात जो आती है वो गोया कि एक तरह की शब कदर है। 21वीं, 23वीं, 25, 27, 29। तो परवरदिगार आलम ने दो बातें बताई। जब मुनाफिकीन, बेदीन, बदकिरदार, नालायक लोग जो वो बैठ के कोई खुफिया काम करते हैं, कोई साजिश करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, कोई तय करते हैं, तो अल्लाह कहता हम वहाँ मौजूद हैं, हम छिपने नहीं देंगे, हम सब जानते हैं, इशारों को पहचानते हैं, दिल के राजों को पहचानते हैं, हमसे कोई चीज छिप के जाने वाली नहीं। हम जब चाहेंगे इस राज को बेनकाब कर देंगे। एक तरफ मुनाफिकीन है, वो छिपाना चाहते हैं, तवज्जो करें, वो राज को दिल में छिपाना चाहते हैं, मगर परवरदिगार कहता हम छिपने न देंगे, हम इस रात को बेनकाब कर देंगे, इसलिए कि हम तो देख रहे हैं। और एक तरफ बेचारा बंदे मोमिन है, वो दुनिया से गाफिल होके गुनाह किए चला जा रहा है, और परवरदिगार कहता तुम गुनाह किए जाओ, लाख किए जाओ, हम पर्दा डाले जाएंगे। या मन अज़हर अल जमील व सतर अल कबीह, उसमें दोनों सिफतें पाई जाती हैं। बंदे ने जरा कोई अच्छा काम किया, खुदा ने ऐलान कर दिया, और कितना बड़े से बड़ा बुरा काम किया, मालिक ने पर्दा डाल दिया। तो इसलिए कि मोमिन है, और बिलाखिर बशर है, हम जानते हैं, नफ्स है, ख्वाहिशात हैं, जज्बात हैं, बहकेगा, भटकेगा, गुनाह करेगा, गलती करेगा, हम सब जानते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा चाहने वाला, हमारा मानने वाला रुसवा हो जाए और दुश्मनों को मजाक उड़ाने का मौका मिले। ये अल्लाह वाले हैं, हम नहीं चाहते। अजब फिक्रा मालिक की बारगाह में इमाम सज्जाद ने दुआए अबू हमजा सुनाई। इलाही परवरदिगार, लइन अदखल तनिल जन्नह फफीजा लिका सुरू नबीक, ए परवरदिगार अगर तू हमें जन्नत में दाखिल कर देगा तो तेरा पैगंबर खुश होगा, मेरा एक उम्मती आ गया, मेरा चाहने वाला आ गया, मेरा मानने वाला आ गया, मेरा कलमा पढ़ने वाला आ गया। तो माबूद अगर तो हमें जन्नत तक पहुंचा देगा तो तेरा पैगंबर खुश होगा, इसलिए उसके उम्मती हैं, नाम लेने वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। वलैन अदखलतनी नार, और हमारे कलमा पढ़ने के बाद, उम्मती होने के बाद, मुहिब्ब अहले बैत होने के बाद, तेरे चाहने वाले होने के बाद, और दुनिया के हजार दावों के बाद अगर कहीं तूने हमको जहन्नम में डाल दिया तो फी ज़ालिका सुरूर अदूविक, तो तेरे दुश्मन खुश होंगे। और जब अल्लाह को मानो, बिलाखिर यहीं आए कि नहीं, गौर किया भाई, हम तो यहाँ आए तो आए, न खुदा को माना, ना नबी को माना, ना इमाम को माना, वो कहाँ जाएंगे, हमारी तो जगह है ये। लेकिन आप जो समझे तो खुदा का कलमा पढ़ लेंगे तो जन्नत में चले जाएंगे, नबी को मान लेंगे जन्नती हो जाएंगे, इमाम को मान लेंगे जन्नती हो जाएंगे, क्या फायदा हुआ मानने का, बिलाखिर तुम भी तो यहीं आ गए। तब इस नज़ाकत पर गौर करें। यानी मुनाजात का ये वो अंदाज है, दुनिया का कोई आदमी पैदा क्या करेगा समझ भी नहीं सकता है। बस औकात हम आज इन अल्फाज को पढ़ते हैं तो हमको शैतान और बहकाता है कि अच्छा एक तरकीब यही मालूम हो गई, हम जैसे कोई तरकीब है ये, इसलिए कि हम हक़ायक़ को जानते ही नहीं, बंदगी कहते हैं किसको है, ना अपने को पहचाना ना खुदा को पहचाना, जो अपने को नहीं पहचाना खुदा क्या पहचानेंगे। लेकिन इमाम ने जिस हकीकत की तर्जुमानी की है, परवरदिगार अगर तूने हमको जन्नत में पहुंचा दिया तो फफी ज़ालिका सुरूर नबी, तेरा पैगंबर खुश होगा, वही नदखलतनी नार अगर जहन्नम में डाल दिया फफी ज़ालिका सुरूर अदूविक, तो तेरे अदू, तेरे दुश्मन खुश होंगे। और मैं तेरी ज़ात अक़दस की कसम, मैं जानता हूँ कि सुरूर नबी का अहब इले का मिन सुरूर अदवी। और जो तेरे सामने ये मसला आएगा कि नबी को खुश किया जाए या दुश्मन को खुश किया जाए, तो हमें यकीन है कि तू अपने नबी को खुश करेगा, दुश्मनों को खुश नहीं करेगा। सलावत पढ़े मोहम्मद। यह है करम की दरखास्त। जैसे होता है दुनिया में होता है कि किसी के यहाँ दरखास्त देना हो तो हर आदमी को दरखास्त लिखना भी नहीं आता है। ऐसे नाराज भी लोग मिले कि उनसे दरखास्त लिखवा दिए, इंशाल्लाह मंजूर होने वाली भी होगी, तो कोई ऐसी अहमकाना मुहम्मल बात लिख देंगे कि दरखास्त वहीं से वापस ले लिया। ऐसे भी समझदार होते हैं, होशियार माहरीन, कि मजाल है कि उनकी लिखी हुई अपील रद्द हो जाए। इस अपील मुकदमे में जो अपील दाखिल कर दें, समझो कि मंजूर हो गई। इसलिए वो जानते हैं कि इस हाकिम का मिजाज क्या है, वो जानते हैं मजिस्ट्रेट का मिजाज क्या है, ये किन बातों को समझता है, किन बातों से खुश होता है, किससे नहीं खुश होता, क्योंकि उसे पहचानते हैं। लिहाजा उनकी लिखी हुई दरखास्त रद्द नहीं होती है। बाकी हजारों लोग लिखा करते हैं, कोई पढ़ने वाला देखने वाला भी नहीं होता है। तो मालिक से अपनी तौबा को कबूल करवा लेना, मालिक से उसकी जन्नत हासिल कर लेना, परवरदिगार को खुश कर देना, ये हर आदमी के बस की बात नहीं है। ये वही कर सकता है जो जानता हो कि रुबूबियत का मिजाज क्या है, जो रहमत का मिजाज क्या, कौन से अल्फाज हैं जिनसे वो राजी होता है और कौन से तरीके हैं जिनसे वो नाराज होता है। इसीलिए इमाम ने एक छोटी सी बात, बहुत मुख्तसर सी बात है, लेकिन मुख्तसर सी बात की गहराइयों में जहाँ तक उतरते चले जाइए, एक मानी का दरिया समंदर है इसी एक लफ्ज के अंदर, कि परवरदिगार अगर तूने हमको जन्नत में पहुंचा दिया तो तेरा पैगंबर खुश होगा, और अगर जहन्नम में डाल दिया तो तेरे दुश्मन खुश होंगे। और हमको यकीन, इन्नी आलम, हमें यकीन है कि तू दुश्मनों के मुकाबले में अपने पैगंबर को खुश करना चाहेगा, पैगंबर के मुकाबले में दुश्मनों को खुश नहीं करेगा। अब जो मुनाजातों ही का जिक्र है तो एक जुमला और सुन लीजिए। बारगाह हादियत में इमाम गुजारिश करते हैं, सलावत पढ़े सलाम। बारगाह हादियत में जो दरखास्त है, ये सब वो खुफिया बातें हैं, राजदाराना, जिनको मुनाजात कहा जाता है। लेकिन मैं बंदा खुदा से बात कर रहा है, ये ना आपको सुनाने की है ना हमको सुनाने की है। और ये जो हम तक ये बातें पहुंच गई हैं, उनकी खुफिया गुफ्तगू जो मालिक से किया करते थे, जो परवरदिगार से मुनाजात किया करते, हम तक जो बातें पहुंच गई हैं वो इसलिए नहीं कि कहीं ऐलान हो रहा था, इसलिए ताकि तुमको भी ये तरीका मालूम हो जाए कि हम मालिक से कैसे बात करते हैं। ये सही है कि तुम्हारे पास ना वो खुलूस आएगा, ना तुम्हारे पास वो जज्बा आएगा, लेकिन बहरहाल ये अंदाज अगर पैदा हो जाए तो तुम्हें ये अंदाज ही मालिक को पसंद है। लिहाजा हो सकता है कि तुम्हारी बख्शिश का वसीला और जरिया बन जाए, या तुम्हारे दर्जात की बुलंदी का वसीला बन जाए। बहरहाल ये तरीके हैं जो मासूमी ने खुद इख्तियार किए और अपने चाहने वालों को बता दिए। ये अहले बैत के असरार हैं, राज हैं, ये दुश्मनों का न कभी नसीब हुए हैं और न क़यामत तक नसीब हो सकती है। एक मकाम पर मुनाजात करते हुए परवरदिगार आलम की बारगाह में इमाम गुजारिश करते हैं, परवरदिगार तजदो मन तुअज़्ज़िबो या रब्बी गैरी वला अजदो मन यरहमनी। परवरदिगार अगर तू अजाब करना चाहे तो मेरे अलावा हजारों मिल जाएंगे अजाब करने के लिए। सोचो अभी लोग, अब ये आखिरी शब कदर है, कुछ यहाँ न सोचें, घर जाकर सोचें कि कौन सा अंदाज है गुफ्तगू करने का जो मासूमी ने सिखाया है, और दरखास्त पेश करने का, मालिक को राजी करने का, उसकी रहमत के हकदार बनने का ये कौन सा अंदाज है। ताकि जो मन तुअज़्ज़िबो या रब्बी गैरी, परवरदिगार अगर तू अजाब करना चाहे तो हमारे अलावा हजारों मुनाफिकीन, मुशरिकीन, कुफ्फार, मुल्हिदीन, बेदीन, हजारों लाखों मिल जाएंगे अजाब करने के लिए। मगर मालिक, मैं अगर मेहरबानी करने वाला तलाश करूँ, मैं अगर रहम करने वाला तलाश करूं, तो तेरे अलावा कौन मिलेगा? तो मेरे पास एक ही है, रहमान रहीम अरहमुर राहिमीन, और तेरे पास तो हम जैसे कितने ही नालायक पड़े हुए। लिहाजा महबूद अगर अजाब करना है तो एक हम ही नहीं है, बहुत है अजाब करने के लिए, लेकिन हमारे पास रहम करने वाला तेरे अलावा कोई नहीं। लिहाजा जो मेरे अलावा अजाब के काबिल हैं तो अपना अजाब उन पर नाजिल कर दे, क्योंकि मेरे पास कोई मेहरबानी करने वाला नहीं है। दादा अपनी मेहरबानियों की मंजिल मुझे बना दे और तू ही मेहरबानी करे, इसलिए कि अगर तू मेहरबानी न करेगा तो फिर तेरे अलावा कोई मेहरबानी करने वाला। पढ़े आप रोज अव्वल से जहाँ का सिलसिला शुरू होता है, जो तारीखी बयानात हैं, जनाब दाऊद की मुनाजातें हैं, जनाब मूसा को कोहे पर रोज ही जा रहे हैं खुदा की बारगाह में मुनाजात करने के लिए, और अम्बिया और मुरसलीन की मुनाजात के बाद खुसूसियत के साथ जो अइम्मा मासूमीन की मुनाजात। और ये बात मैं इशारतन पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, लेकिन आज फिर गुजारिश करना चाहता हूँ इस नुक्ते को आप पहचाने। अहले बैत की दो हैसियतें हैं, आले मोहम्मद की जिंदगी में उनके किरदार में दो रुख पाए जाते हैं, एक का ताल्लुक हमसे आपसे है और एक का ताल्लुक परवरदिगार से। तो दरमियान में अल्लाह उनको रखा है। वास्ते के मानी यही होते हैं, वसीले के मानी यही होते हैं, उसका एक ताल्लुक उधर भी होता है और एक ताल्लुक इधर भी होता है। वे किसी के यहाँ पे किसी दफ्तर भी आप किसी को वास्ता बनाते हैं तो खाली अगर वो आपका मिलने वाला है खुद से सुनेगा कौन। जरूरत वास्ता ऐसा हो जो आपकी यहाँ सुन ले कि वहाँ तक पहुँचाए, और उनसे ताल्लुकात ऐसा हो कि उनकी वहाँ सुनी जाए, यानी यहाँ बात सुनने वाला हो वहाँ बात मनवाने वाला हो, ऐसा आदमी चाहिए। तो अहले बैत को अगर हमने वसीला वास्ता बनाया है तो इसीलिए कि एक तरफ इतने मेहरबान हैं कि हम नालायकों की भी सुन लेते हैं खुदा की बारगाह तक ले जाने के लिए, और एक इतने अजीम हैं कि खुदा की बारगाह में जो कह दें परवरदिगार उनकी बात को रद्द नहीं करता। तो उनकी जिंदगी की दो हैसियतें हैं, एक हैसियत का ताल्लुक हमसे आपसे है और एक रुख का ताल्लुक परवरदिगार से है। अगर इस रुख को देखा जाए जो इसका ताल्लुक हमसे आपसे है तो दुनिया का कोई बड़े से बड़ा, दौलत के एतबार से, इल्म के एतबार से, इक़्तिदार के एतबार से, ताकत के एतबार से, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा उनके मुकाबले में उतनी हैसियत भी नहीं रखता है जो एक ज़र्रे की हैसियत होती है पहाड़ के सामने। सारी उम्मत इस्लामिया में सबसे पढ़े लिखे आलिम कुरान कहे जाते हैं इब्न अब्बास। इब्न अब्बास से बड़ा मुफस्सिर कुरान उम्मत के पास नहीं है। कुरान ये जानते हैं, दीन ये जानते हैं, तफसीर ये जानते हैं, तावील ये जानते हैं, इनसे बड़ा कोई जानने वाला नहीं है। इब्न अब्बास से किसी ने कह दिया कि इब्न अब्बास आप तो इतने आलिम काबिल फाजिल हैं, और पैगम्बर अली के बारे में कह दिया कि मैं शहर इल्म हूँ और ये उसका दरवाज़ा है। तो क्या अली के पास आपसे कुछ ज़्यादा है? तो पैगम्बर ने उनको बाब मदीना इल्म बनाया है, मसलन आपको नहीं बनाया है। आप में अली में फ़र्क क्या है? इब्न अब्बास ने कहा मेरा और अली का फ़र्क पहचानना चाहते हो, मैं समझाऊंगा तो नहीं समझोगे, मिसाल से समझ लो। कतरा कभी देखा है? कतरा पानी की तबकता है, कतरा देखा है? कहाँ देखा है? क्या कभी समंदर में देखा है? क्या वो भी देखा है? क्या जो फ़र्क कतरे और समंदर में है वही फ़र्क मुझ में और अली में? मेरी हैसियत अली के सामने कतरे की है, अली की आज़मत मेरे सामने तो समंदर। तो इब्न अब्बास जैसे लोग और बाकी जितने साहिबान इख्तियार इक़्तिदार हैं अहले बैत के सामने किसी की कोई औकात नहीं है। मैंने अर्ज़ किया जैसे समंदर के सामने कतरा या पहाड़ के सामने जर्रा, इससे ज़्यादा नहीं बल्कि इतनी भी हैसियत नहीं है। लेकिन एक दूसरी बात ये भी याद रखेंगे कि बहरहाल समंदर के सामने कतरा एक चीज़ है, बहार के सामने जर्रा एक चीज़ है, अगर तो उसी से आया है, लेकिन बहरहाल उसी का जुज सही, छोटे से छोटा, मगर बंदा खुदा के सामने खुदा का कोई जुज नहीं है। ऐसा नहीं कि खुदा की हैसियत किसी पहाड़ की है और उसी का एक जर्रा अलग हो गया है उसका नाम बंदा हो गया। ये ईसाइयों का अकीदा है। बंदे को खुदा का जुज करार दिया जाए ये ईसाइयत का अकीदा है, इस्लाम का ये अकीदा नहीं है। बंदा कुछ भी हो जाए मगर वो खुदा तो बड़ी बात है, खुदा का एक जुज भी कहे जाने के लायक नहीं हो सकता है। लिहाजा एक रिश्ता इधर उधर का है, एक रिश्ता उनका उधर से है। यही वजह है कि वो हमारे सामने आते हैं तो साफ लफ्जों में ऐलान करते हैं, साफ लफ्जों में ऐलान करते हैं यन हदर अन सैर वला यरका इलैया सैर, मेरी बुलंदियाँ वो हैं कि जहाँ तक तुम्हारा ख्याल भी नहीं जा सकता है। ये हमसे कहते हैं, और जब उसके सामने आते हैं इलाही अब्दुकल आफी अता का मुकर्रन बिज़ुनूब वक़द्दहा का। परवरदिगार तेरा एक बंदा है, कितनी कोताहियाँ हुई, कितनी बड़ी कौम को तूने हवाले किया था, न किसी को मोमिन बना सका, न किसी को तेरा बंदा बना सका। अरे दो चार कहीं रास्ते पर आ गए तो आ गए, कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी मगर वो जिम्मेदारी अदा न हो सकी। वो ना सही हमारी कोताही, कौम ही की नालायकी सही, मगर वो काम न हो सका जो काम हम चाहते थे कि हो जाए, नहीं हो सका। परवरदिगार उन कोताहियों का ये करार लेकर तेरी बारगाह में आए। वहाँ भी इसका कोई जिक्र नहीं आता है कि हम भी कुछ हैं, हमको तूने खातमुन नबीन बना दिया है या हमको तूने अमीरुल मोमिनीन बना दिया है। वो बना दिया तो उनके सामने बना दिया है, तेरे सामने का अब्दुहू बरसूल हो। असल तो मैं अब्दुहू था जिसको तूने रसूल हो बना दिया है। यानी एक ही लफ्ज में, एक ही इकरार में दोनों हैसियतों का जिक्र है, अब्दुहू व रसूल हो। पैगम्बर बंदा भी है और रसूल भी है, क्योंकि जाते पैगम्बर दरमियान में है। जब उधर हिसाब लगाते हैं तो अब्दुहू नजर आता है, जब इधर को देखते हैं तो रसूल हो दिखाई देता है। इनके लिए अल्लाह का रसूल, उधर के लिए अल्लाह का बंदा। भाई अकबर बंदा भी है रसूल भी है, उधर रुख करो तो अब्दुहू दिखाई देता है, इधर रुख करो तो रसूल हो नजर आता है। इनके वास्ते रसूल, उसके वास्ते बंदा। यही वजह है कि जब इधर आने लगा तो खुदा ने कहा सला रसूल हो। तवज्जो करें, जब बंदा उधर से इधर आने लगा तो खुदा ने कहा अरसला रसूल हो, उसे रसूल भेजा है। इसे उधर से इधर आ रहा है, और जब उधर जाने लगा तो असरा पे आप नहीं सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब्दियत है जो बंदे को उधर ले जा रही है, रिसालत को है जो बंदे को उधर से ले आ रही है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ज़ाहिर उनकी जो मुनाजातें हैं, एक मुनाजात जिसकी तरफ मैंने उसमें इशारा किया था, नज्म में भी हैं, नसर में भी हैं, हर तरीके से कि वो खुदा की बारगाह में अपनी दरख्वास्त को पेश करना है। जिन लफ्जों में दरख्वास्त काबिल कबूल हो जाए, जैसे खुद एक मफातिहुल जनानी में आप देख लीजिए कि मौला कायनात की मुनाजात जो खुदा की बारगाह में आपने नसर में की है, वो भी है अल्लाहुम्मा इन्नी असलुकल अमान। अल्लाहु अकबर, एक बंदा मुनाजात की दुआ नहीं है। मैंने उसने अर्ज किया था कि जो बात बुलंद आवाज से कही जाए उसे दुआ कहते हैं, पुकारना बुलाना, और जो खुफिया तरीके से कही जाए उसे मुनाजात कहते हैं। ये किसी को सुनाने के लिए नहीं है, बंदा खुदा की बारगाह में गुजारिश कर रहा है। असलुकल अमान यौम ला यनफउ मालुन वला बनून। परवरदिगार उस दिन अमान चाहिए जिस दिन न माल काम आने वाला है न औलाद का अमान। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अगर दिल सही और सालिम है, ईमान सही, अकीदा सही, तो तेरी बारगाह में अमान पा सकता है, वरना कोई बचाने वाला नहीं। असलुकल अमान यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही। उस दिन पनाह चाहिए जिस दिन आदमी भाई को देख के भागेगा, माँ बाप को देख के भागेगा, कहीं एक नेकी ना मांग ले। वो साहिबत ही, वो बरी, वो जौजा, वो शौहर, ये दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं। आज किसी को मिलना भी नहीं चाहते, कहीं ऐसा लोग जिंदगी भर के साथ उसके मुआवजे में एक नेकी तलब कर लें। तो अब सारी नेकियों को रखने के बाद तो कहीं जाने के लायक नहीं हो सके। अगर एक आध कम हो गई तो क्या होगा? जितनी आयतें कुरान मजीद में हौल महशर के बारे में हैं, क़यामत के हौलनाक मनाजिर के बारे में, एक एक मंजर का जिक्र करके अली खुदा की बारगाह में असअलुकल अमान, खुदाया अमान चाहिए। अमान दिन बड़ा खतरनाक है, क़यामत का दिन वाक़िअन क़यामत का दिन है। परवरदिगार अमान चाहिए उस दिन, और तेरे अलावा कोई अमान देने वाला नहीं। और उसके बाद फिर वही लहजा जो मैंने अर्ज किया, जब उधर रुख करते हैं और उसके बाद उनके कलमात पढ़िए तो मालूम होता है कि कितना अपने को पहचाना है और कितना खुदा को पहचाना है। मौला या मौला, अंतल मौला व अनल अब्द। परवरदिगार तू मौला है और मैं तेरा बंदा हूँ, और ये जानता हूँ बंदे पर सिवाय मौला के कौन रहम करेगा। वहल यरहमुल अब्द इल्लल मौला, बंदे पर सिवाय मौला के कौन रहम करेगा। या मौला अंतल मालिक व अनल ममलूक, तो मालिक है मैं ममलूक हूँ। वमन यरहमुल ममलूक इल्लल मालिक, ममलूक पर कौन रहम करेगा सिवाय मालिक। अंतल कवी व अनल ज़ईफ़, तो कवी है मैं कमजोर हूँ, कमजोर पर कौन रहम करेगा सिवाय ताकत वाले। अंतल हय्य व अनल मय्यित, तो जिंदा है मैं मरने वाला हूँ, मरने वाले पर कौन रहम करेगा सिवाय हय्य क़य्यूम के। अंतल राज़िक़ व अनल मरज़ूक़, तो रोजी देने वाला मैं लेने वाला, रोजी लेने वाले पर कौन रहम करेगा सिवाय रोजी देने वाले के। अंतल मुतकब्बिर व अनल ख़ाशिअ, तकब्बुर और किब्रियाई तुझे ज़ेब देती है, मैं तो सर झुका के आया हूँ, और ऐसों पर सिवाय तेरे कौन रहम करने वाला। ये सिलसिला है मुनाजात का मौला कायनात की, जो नसर भी है। और उसके बाद क्योंकि आमतौर से ये ख्याल किया जाता है और सही भी है किसी हद तक, बंदों की हद तक तो बहरहाल सही है कि इंसान के दिल पर नज़्म का असर ज़्यादा होता है नसर के मुकाबले में। उसी बात को अगर नसर में कह दिया जाए तो शायद आदमी उतना बेचैन नहीं होगा, कि अगर उसी को शेर में कह दिया जाए तो कहा जाता है कि शेर का ताल्लुक बराहरास इंसान के दिल से होता है, तो नज़्म का असर इंसान के दिल पर बराहरास होता है, और नसर का असर पहले दिमाग पर होता है उसके बाद दिल को होता है। इसीलिए परवरदिगार आलम ने अपना कुरान नसर में नाजिल किया, इसलिए खाली दिल के जज्बात को नहीं उभारना है, पैगाम समझाना है। मगर भारत में इंसान वह नज्म से मानूस होता है, लिहाजा नसर में वो लहजा इख्तियार किया जो लहजा इंसान के दिल को मुतासिर कर सके। तो चूंकि जाहिर है कि नज्म का असर ज्यादा तसव्वुर किया जाता है नसर के मुकाबले में, लिहाजा मौला कायनात ने मंजूम मुनाजात खुदा की बारगाह में लकल हम्द या ज़ल जूदे वल मज्द वल उला तबारक तोती मन तशाओ तमनऊ इलाही व खल्लाक़ी व हिरज़ी व मौली इलैक दर यसार वल युसर अफ़ज़ऊ इलाही लन जल्लत व जम्मत खतियती फ़ाफ़ु कन ज़म्बी अजल व अरफ़ऊ। परवरदिगार अगर मेरे गुनाह बहुत हैं और मेरे गुनाह पहाड़ों जैसे ऊंचे हो गए हैं, तो तू तो बहरहाल पहाड़ों से ऊंचा है। यानी अगर मेरे गुनाहों का नक्शा खींचा जाए और कोई कह रहे तुम्हारे गुनाहों के पहाड़ तैयार हो गए हैं, तो पहाड़ों के औकात क्या तेरे रहमत के मुकाबले में। पाप फकानजम भी अजल लो वारफाऊ, मेरी माफी बहरहाल इन पहाड़ों से ऊंची है। यार हम कैसे समझ लिया कि हमारे गुनाह माफ नहीं हो सकते हैं। अब इतने गुनाह ऊंचे हो गए हैं कि जहां तक माज़अल्लाह तेरी माफी नहीं बोल सकती, कौन सोच सकता है। लिहाजा मौला कायनात ने मुनाजात नसर में भी और नसर की खुदा की बारगाह में पेश की कि किसी लहजे में भी बंदा मालिक के रहम करम का हकदार है। कभी वक्त निकालिए और इन मुनाजातों को तन्हाई में बैठ के, नहीं कोई अरबी नहीं जानता है तो उर्दू में पढ़िए, मजमून तो सामने आ ही जाएगा, तो अंदाजा होगा कि वाकई अगर ये आवाज़ इंसान के दिल से निकले तो मैं अजीब व गरीब लफ्ज़ कहना चाहता हूँ मालिक से कतई नज़र। यानी ये लहजा जो मुनाजातों का इमाम ताहरीन ने, इमाम सज्जाद ने या मौलाए कायनात ने जो लहजा मुनाजातों का दिया है नसर में या नज़्म में, वाकई अगर ये लहजा किसी ऐसे के सामने इख्तियार किया जाए कि जिसके सीने में दिल के बजाय पत्थर हो, तो वो भी पिघल जाएगा। चीज आए कि वो मालिक जहाँ सिवाय रहमत की कुछ नहीं, रहमत ही रहमत है। वो अपने को रहमान भी कहता है, रहीम भी कहता है, और अरहमुर रहीमीन भी कहता है, अपने बंदे को रहमतुल आलमीन कहता है। तो जहाँ रहमत ही रहमत है, कैसे हो सकता है कि इंसान इस लहजे में मालिक से गुफ्तगू करे और मालिक को अपने बंदे पर रहम ना है। बस शर्त एक ही है कि वाकई जो कुछ कह रहा है यही आदमी के दिल में हो। खाली ये नहीं कि ये अंदाज हो, ये स्टाइल हो, ये तरीका, और बस खुदा को समझा दिया और काम हो गया। पढ़ूंगा रहमत का वो कसीदा कि हाथ पड़ेगा आजाद तेरा, मतलब वहां भी कोई मुशायरा हो रहा है, तो आसान काम नहीं है। आजाद इलाही का तस्वुर इंसान कर लेता है, उन्हें कहीं कसीदा याद आता है तो रुबाई याद आती है। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि इस्लामी अखलाकियात में ये दोनों बातें हैं। जब नजवा की मंजिल आए तो खबरदार कोई ऐसी साजिशी गुफ्तगू न करना जो ईमान के लिए मुज़िर हो, साहिबान ईमान के लिए तकलीफ दे हो, वरना यह शैतानी अमल होगा। और जब मुनाजात की मंजिल आए खड़े रहो उसकी बारगाह में, बैठे रहो, हाजिर रहो उसकी बारगाह में, यही तुम्हारे कमाल किरदार की बेहतरीन निशानी है। इस्लाम ये देखना चाहता है कि अपने मालिक के सामने कौन किस अंदाज से पेश होता है, जिसका अंदाज जितना हसीन है खुदा के सामने आने का, वही उतना बड़ा साहिब अखलाक और साहिब किरदार है। इसीलिए आप देखें जिसको परवरदिगार ने साहिब खुल्क अजीम बनाया था, वो जब मालिक के सामने खड़े होते हैं बात करने के लिए, वो जब परवरदिगार के सामने खड़े होते हैं मुनाजात करने के लिए, तो इश्क इलाही में वो महवियत का आलम, मैं तो वो लफ्ज़ नहीं कह सकता हूं कि बंदा गुम हो गया, बंदा गुम नहीं हो गया, लेकिन ऐसा याद खुदा में गर्क हो गया है, ऐसा याद खुदा में डूब गया है कि खड़े खड़े पैरों पर वरम हो गया। वो वरम सब देख रहे हैं, मगर जिसके पैरों पर वरम है वो नहीं देखता, इसलिए कि शान मोहब्बत के खिलाफ है। महबूब के सामने खड़े होने के बाद अपनी तकलीफों को देख रहे हैं। अगर जिनकी मोहब्बत चंद लम्हों की, चंद मिनट, चंद सेकंड की या एक नजर की है, अगर उनमें ये महवियत पैदा हो जाए कि उंगलियां कट जाएं, खाली एक नजर ही की मोहब्बत और क्या है? वरना मिस्र की औरतें क्या जाने यूसुफ को, और यूसुफ का क्या ताल्लुक है मिस्र की औरतों ने, खाली एक पता गुजर गए हैं सामने से। एक नजर ने जितनी मोहब्बत पैदा कर दी है, उसकी महवियत का यह आलम है कि उंगलियां कट गई हैं मगर एहसास नहीं पैदा होता। जो सरापा मोहब्बत हो, जिसका दो तरफा रिश्ते मोहब्बत हो, इधर वाला उसका चाहने वाला, उधर वाला इसका चाहने वाला, उसको पैरों के भरम का ख्याल पैदा होगा। नामुमकिन है या शायद सरकार दो आलम का अपने पैरों के वरम की तरफ न देखना, इस हकीकत का भी ऐलान है कि जो वाकईन मुहिब्ब व महबूब खुदा होता है, मैंने एक लफ्ज़ का सोचिएगा और आपसे बेहतर कोई नहीं पहचानेगा। शायद पैगम्बर इस्लाम के पैरों के वरम पर तवज्जो न देना, ये इस बात की अलामत है कि जो खुदा का चाहने वाला और खुदा उसका चाहने वाला हो, जो इस कमाल मोहब्बत की मंजिल पर फायद हो, उसके पैर पर क्या गुजर गई वो मुड़ के नहीं देखता, ताकि तुम्हें अदाए मोहब्बत मालूम हो जाए। अभी तुमने मेरे पैरों के वरम को देखा है तो मेरी मोहब्बत को पहचाना है, जब किसी के पैरों से तीर निकलता हुआ देखोगे तब उसकी मोहब्बत को पहचानोगे। सलावत अलैहि मोहम्मद व आलिहि। पैरों से तीर निकल गया मगर किसी तरह का कोई ख्याल नहीं, क्यों? इसलिए उसके सामने खड़े हुए हैं। एक वाकया मेरे सामने का तो नहीं है लेकिन इसी दौर का है, और जिन बुजुर्गों ने देखा इस वाकये को, उन बुजुर्गों ने खुद इस वाकये को बयान किया, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वाकया होता भी यही है। एक साहब गए एक बुजुर्ग से मिलने के लिए, और इत्तेफाक ऐसा हुआ जिस वक्त वो घर में दाखिल हो रहे थे, उनके घर के दरवाजे में कहीं ये जानवर, उड़ने वाले जानवर जो हाँ जहाँ डंक मार दे तो काफी देर तक आदमी की हालत खराब रहती है। वो बेचारे घर में दाखिल हो रहे थे उनसे मिलने के वास्ते आलिम दीन की बारगाह में, और दरवाजे में आलिम दीन के कहीं वो जानवर बैठा हुआ था। वो उड़ के आया और गरीबान से उनके कुर्ते के अंदर दाखिल हुआ, और दायरे के सामने वो खड़े हुए इस्तेकबाल करने के लिए, दायरे मुसाफा किया और जाके बैठ गए। अब जाहिर है वो चला तो गया, अंदर निकलने को रास्ता तो है नहीं, यूँ तो आदमी आज़ाद हो तो झाँव देगा, वहाँ कहीं ना कहीं से तो निकल ही जाएगा, लेकिन अब जाहिर है कि मुसलसल वो जाहिर जितनी देर तक निकलने की फिक्र करता है और नहीं निकल पाता, तो कर ही जा सकता है, सिवाय इसके कि बराबर डंक मार रहा है, बराबर अजियत दे रहा है। और ऐसा नहीं कि आदमी नहीं, आदमी है तो तकलीफ का एहसास तो होगा मगर बैठे सुकून से इत्मीनान से बातें कर रहे हैं। जब गुफ्तगू खत्म करके बाहर निकले तो अपने किसी साथी से कहा कि देखो क्या चीज़ है जो पीठ में कुछ जैसे माता कुछ चींटी वगैरह चली गई है। अब जो उन्होंने जरा सा कुर्ते को हिलाया तो उसमें से वो भीड़ जिसको कहते हैं वो जानवर उड़ के गया, और अब जो कुर्ते का दामन पीछे से हटाया तो पूरी पुष्ट सुर्ख, हर जगह जंग के निशानात। का हुजूर इतनी देर तक आप कैसे बैठे रहे वहां? आपको एहसास ही नहीं हुआ कि ये बराबर जानवर जंग मार रहा है, बराबर अजियत दे रहा है कि सारी पुष्ट आपकी सुर्ख हो गई और आप इत्मीनान से बैठे रहे? कहीं मुझे मालूम था वो क्या कर रहा है, मैं किसके सामने बैठा था। अरे बंदा बंदे के सामने तो बैठा हुआ था, तो जब बंदा बंदे की अजमत को पहचान ले और उसके सामने जाने के बाद हर तकलीफ का एहसास खत्म हो जाता है, तो जब बंदा मालिक के सामने खड़ा हो जाए और वाकई कहता ना हो रब अजीम, समझता हो रब अजीम, कहता ना हो रब आला, वाकई समझता हो रब आला, खाली अल्लाह अकबर कहता ना हो, वाकई उसे अकबर समझता हो, अगर बंदा ऐसा है तो कुछ भी गुजर जाए। भला कत्तातनी बिलहुब्बा, परवरदिगार तो मोहब्बत की मंजिल है, इसमें तो अगर जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं तो मैं तुझे छोड़ के किसी और तरफ नहीं दे सकता, वरना चाहने वालों के किस चीज की कमी थी। अगर मीशम पैसे पर राजी होना चाहते तो इब्न ज़ियाद के खजाने में कोई कमी आ गई थी? अगर अबू ज़र पैसा लेके चुप हो सकते तो क्या शाम के खजाने कम पड़ गए थे? दौलत की कोई कमी नहीं है, ओहदों की कोई कमी नहीं है, जो चाहे ले लें, मगर जो मोहब्बत करने वाले हैं वो महबूब से निगाह हटा कर दूसरे को देखना नहीं चाहिए। बस अजीज़ान मोहतरम, ज़्यादा गुजारिश नहीं करना, इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद मुख्तसर सही मगर तो दो एक दिन की नमाजें भी हैं, कुछ थोड़े अमाल भी हैं, दो चार दुआएं भी हैं, और बहरहाल भी एक आखिरी मौका है, उसके बाद मजलिस तो होती रहेगी मगर इन अमाल के मौके ख़त्म हो रहे हैं, इससे मैंने चाहा थोड़ी देर वो तज़किरा रहे कि जहाँ बंदे का दिल मालिक की तरफ मुतवज्जे हो जाए, शायद हमारी दुआओं में, हमारी मुनाजातों में, हमारे अल्फाज में अहल बैत के सदक़े और तुफ़ैल में कोई असर पैदा हो जाए या उनके अल्फाज का असर हमारे दिल पर हो जाए। अब एक लफ्ज़ तफसीर कुरान से मुतालिक, क्योंकि आप जानते हैं माह रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ और उसके नुज़ूल का वक्त है लैलतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु हो फी लैलतुल क़द्र, शब क़द्र में नाजिल हुआ है और बारह एहतमाल शब क़द्र भी है, लिहाजा बेहतरीन बात शब क़द्र में यह है कि कुरान मजीद पढ़ा जाए और जिक्र कुरान किया जाए। लिहाजा यहाँ पर एक लफ्ज़ मुझे गुजारिश करना है जिससे आप कुरान मजीद की मानवियत और बलागत का भी अंदाज़ा करेंगे। मैंने बात कहाँ से शुरू की कि परवरदिगार आलम ने मुतवज्जे कर दिया कि तुम राज की बातें करो, कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी अपनी बात को सलात पर खड़े होकर हर एक के सामने अहल ऐलान गुफ्तगू कर दें, राज की बातें करो, मगर एक बात का ख्याल रखना कि राज में साजिश शामिल ना होने पाए। इसलिए अगर तुम किसी के खिलाफ साजिश करोगे तो मुतमईन ना हो जाओ कि कोई देखने वाला नहीं है, हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो खुदा ने जो अपने वजूद का ऐलान किया कि हम हर जगह हैं, जहाँ कोई साजिश हो रही है, जहाँ कोई खुफिया मीटिंग हो रही है, जहाँ किसी के खिलाफ कोई हंगामा हो रहा है, जहाँ गरीबों को जलाने धमकाने की तैयारियां हो रही हैं, हम वहाँ मौजूद हैं। तो खुदा ने क्या कहा, मा यकून मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम, जहाँ तीन आदमी बैठ के मीटिंग करते हैं खुफिया साजिशें, वहाँ खुदा चौथा होता है। अगर खमसा पांच हो जाए तो खुदा छठा होगा, चार हो जाए पांचवा होगा, यानी जहां भी लोग जमा होंगे समझे कि खुदा भी वहां है। मैं चाहता हूँ फिर इस लफ्ज को आप पहचानिए, जहां तीन आदमी बैठ के मीटिंग करें परवरदिगार कहता वहां चौथे हम हैं, होशियार रहो, कोई मीटिंग रात की नहीं हो सकती, हमें सब इत्तला है। अब यहाँ उलमा ने एक सवाल उठाया, क्या इस आयत का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी साजिश करना चाहे तो तीन आदमियों को इकट्ठा न करे, दो दो की मीटिंग करे? अकेले की तो मीटिंग होती नहीं, मीटिंग तो मान ही नहीं है कि मीटिंग है बहरहाल, हाँ दो तो कम से कम चाहिए ही। तो अगर खुदा ने कहा जहां तीन इकट्ठा हो जाएंगे वहां हम चौथे हैं, तो लोगों ने तरकीब निकाल ली कि इसका मतलब ये कि आइंदा जब कोई साजिश करना होगी तो दो दो में बैठेंगे। जैसे आप देखते हैं कभी मुल्क में हंगामी हालात पैदा होते हैं और कानूनी एतबार से जिसको कहते हैं दफ़ा 144, हाँ हमारे यहाँ ताज़ीरात हिंद, पुराने ताज़ीरात हिंद में दफ़ा है दफ़ा 144, यानी 5 आदमियों के एक मकाम पर जमा होना खिलाफ कानून है। जो लोग हंगामा करना चाहते हैं तो क्या ज़रूरत है कि अगर 20 आदमी हैं तो बस 4 जगह बैठें, वहां जगह बैठ जाएंगे। यही तो कहा कि जहाँ 5 इकट्ठा हो जाएं वो खिलाफ कानून है, पकड़ के उनको बंद कर दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है, हमारे पास 20 आदमी हैं तो क्या जरूरी है कि हम 4 जगह बैठें, 5-5 करके वो पकड़े जाएं? इससे बेहतर चार यहाँ खड़े हो जाए, चार वहाँ खड़े, जो वो बात करे वही सुनना है, जो वो कह रहे हैं वही सुनना है, जो वो कह रहे हैं वो सुनना है, और पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। ये कानून ये पांच इकट्ठा नहीं हो सकते, चार ही तो है। तो एक तरफ तो परवरदिगार आलम ने बंदों को होशियार किया, खबरदार होशियार रहना, हमारी निगाहों से बच के नहीं जा सकते। तो वो खुदा जो अपने बंदों को होशियार कर रहा है, उस खुदा ने लफ्ज कैसे इस्तेमाल कर दिया? मेरी बात वाज़ेह नहीं? जब खुदा अपने बंदों को होशियार कर रहा है तो क्या अपने बंदों की हरकतों को नहीं जानता है? ये नालायक नई तरकीब निकाल लेंगे, भैया तीन तीन इकट्ठा होने के, दो दो खड़े होकर मीटिंग करेंगे, दो दो बैठ के तय करेंगे। हमने ये तो कहा ही नहीं कि जहां दो होंगे तीसरा मैं होऊंगा। हमने तो ये कहा कि जहां तीन होंगे चौथा मैं होऊंगा। तो परवरदिगार ने ये क्यों ना कह दिया कि जहां दो भी जमा होके साजिश करेंगे आपस में, वहां तीसरा मैं होऊंगा? मसला है या नहीं? जो खुदा ने बात आगे से क्यों शुरू की, वहीं जड़ से बुनियाद से क्यों नहीं शुरू की कि जहां दो बैठेंगे समझो तीसरा मैं हूं? तो सारे उलमा तफसीर ने एक ही वजह लिखी है, वो मैं आपको सुना दूं, और दूसरी बात की वजह नहीं है, बाकी आप सोचे तो बहुत कुछ है। हाँ, सारे उलमा तफसीर ने कहा कि परवरदिगार आलम ने बात को दो से इसलिए नहीं शुरू किया कि खुदा अपने को तीसरा नहीं कह सकता। तवज्जो करें, परवरदिगार आलम अपने को तीसरा नहीं कह सकता, क्यों? इसलिए कि इस्लाम के मुकाबले में एक मजहब, इस्लाम के मुकाबले में एक मजहब मौजूद था जो बराबर ये ऐलान कर रहा था कि खुदा तीन है, यानी तीन से मिलके खुदा बना है, एक ईसा, एक मरियम और एक रूहुल कुद्स, सब मिला के एक खुदा तैयार हुआ है। इसके मानी क्या है कि इनके यहाँ खुदा तसली जिसको कहते हैं, खुदा एक भी है और तीन भी है, यानी उन्हीं तीनों के अंदर खुदाई पाई जाती है जिसको बाप बेटा रूहुल कुद्स कहते हैं। दादा बाप कौन है? खुदा। बेटा कौन है? ईसा। और रूहुल कुद्स जो भी है। तो चूंकि इन लोगों ने तीन से मिला के खुदा तैयार किया था, और जो कहें तीन से मिला के खुदा तैयार किया था, और ऐसा खुदा बनाया था जिसमें दो बंदे हैं खुदा है, इसीलिए खुदा को सालिस और सलासा कहा। खुदा जो है तीन में का एक है। वो कहें ईसाइयों ने क्या कहा कि तीन से मिलके खुदा बना है, उन तीनों के अंदर तीसरा जो है खुदा है, एक ये बंदा, एक ये बंदा, तीसरा जो है खुदा है। तो चूंकि इन लोगों ने खुदा को सालिस बना रखा था, बात गौर करें, क्योंकि ईसाइयों के अकीदे में खुदा को तीसरा कहा जा रहा था, खुदा को सालिस कहा जा रहा था। परवरदिगार ने कहा अगर कहीं मैंने कह दिया कि जहां तो बैठ के साजिश करेंगे तीसरा मैं होऊंगा, वही ईसाई ले उड़ेंगे, देखो आखिर तुम्हारे खुदा ने अपने को सालिस कहा कि नहीं कहा। लेकिन परवरदिगार ने उस लफ्ज ही को नहीं आने दिया कि जिससे ईसाइयत को तकवीत हासिल हो जाए, जिसे बातिल अपने बात से कोई बहाना बना ले। सारे मुफस्सिरीन ने कहा, और बात अपने मकाम पर सही भी है, बहुत हमारे, और शायद एक वजह, मैं जिम्मेदार नहीं, शायद एक वजह ये भी हो कि शायद कोई ऐसी मीटिंग न सामने रही हो कि जहां दो बैठ के तय कर रहे हो, कोई इतनी अहम साजिश न हुई हो जहां दो बैठ के तय कर रहे हो कि खुदा को बताना पड़े कि तुम दो के दरमियान एक तीसरा मैं भी हूं। यानी साजिशों का आगाज दो से नहीं हुआ कि खुदा को बताना पड़े होशियार तीसरा मैं हूं। साजिशें जहां भी शुरू हुई है खुदा को यह कहना पड़ा ए तीनों होशियार रहना, चौथा मैं हूं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कोई तफसीर नहीं है, ये तो कुरान के अल्फाज, मा यकून मिन नजवा सलासा, जहां तीन आदमियों की साजिशी बातें होती हैं, परवरदिगार ने कहा चौथा मैं हूं, मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है। अब ये अल्लाह को कौन सा अदद पसंद आया है? हाँ, कि अपने को तीन में शामिल नहीं किया, तीन का चौथा बन गया। एक खिलाफत पड़े मोहम्मद वाले। तो मालिक ने इंसान को होशियार कर दिया, देखो हम पर निगाह रखना, और जब इंसान में होश पैदा हो जाए तो फिर साजिशों को छोड़ के मुनाजात में लग जाएगा। जब यकीन पैदा हो जाएगा हर जगह वो है और वो हर जगह है और हर चीज को देख रहा है, तो फिर इंसान ऐसे नजवे में नहीं लगेगा, फिर इंसान मुनाजात में मसरूफ हो जाएगा। जो खासान खुदा का नेक किरदार रहा है, रात की तारीकियों में, तन्हाइयों में, सहराओं में, मस्जिदों में, मेहराबों में, मौला कायनात मस्जिद कूफा में तमाम नमाजियों से पहले मस्जिद में आ जाते, फिर नमाज का वक्त तो बाद में आने वाला है, पहले मेहराब में बैठ के मालिक से मुनाजात करें। इसलिए ज़ाहिर ऐसी मुनाजात जो खुदा और बंदे के दरमियान राजदाराना गुफ्तगू होती है, इसके लिए वाकया सही वक्त ही होता है जब कोई देखने वाला न हो, ताकि बंदा अपना दर्द दिल मालिक से बयान कर सके। जो बात मौला ने खुद अपनी मंजूम नज़्म वाली मुनाजात में मौला ने खुद कही है, इलाही वहाज़ल खल्क़ो मा बैन नाइमिन व मुंतबिहिन फी लैलिही यतवफ़ौ। परवरदिगार इस वक्त मखलूक़ात दो हिस्सों में बटी हुई है। एक सिलसिला है सोने वालों का, तो पड़े सो रहे हैं, और एक सिलसिला उनका भी है तेरी बारगाह में खड़े हुए फरियाद कर रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं। यह तेरा करम है कि तूने हमको उनमें नहीं करार दिया जो गफलत की नींद सो जाएं, उनमें करार दिया है जो तेरी तरफ मुतवज्जे हैं। दुआ मशलूल का वाक़ियात आपकी निगाह के सामने है। ये दुआ मशलूल, जिसको दुआ मशलूल कहा जाता है, जब एक आदमी ने अपने बाप की शान में गुस्ताखी की और जब हाथ उठाया तो दिल से जो आह निकली उसका हसर हुआ कि हाथ छल हो गया, मशहूर हो गया। लेकिन बहरहाल परवरदिगार तो अपने हर बंदे पर किसी न किसी शक्ल में मेहरबानी करता ही है। अब ज़ाहिर के मुनाजात का सिलसिला, खुदाया कि क्या मालूम था कि अंजाम ये होने वाला है, क्या मालूम था कि दुनिया में ये सजा मिलने वाली है, लिहाजा कद नाम वक्त का हौल अलबैत वन तबकू वन तया हय्य या क़य्यूम लम तनम। परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में आया हूँ तौबा करने के लिए, तेरे घर के पास मस्जिद हराम में बैठा हुआ मुनाजात कर रहा है। इस वक्त जो मंजर मस्जिद हराम का है वो मंजर ये है कि कुछ बंदे हैं जो आए थे तेरी बारगाह में तुझसे मिलने के लिए, खाने खुदा का तवाब करने के लिए, और मस्जिद में सो रहे हैं। तो कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं, आइंदा सोने वाले हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसमें दोनों बातें न पाई जाती। कुछ सो गए हैं अब जागेंगे, कुछ जाग रहे हैं अब इसके बाद सो जाएंगे। तू अकेला वो है जो जागने वाला है, सोता नहीं। इसलिए तुझे अगर कहीं नींद आ जाए तो उस वक्त जो फरियादें बुलंद होंगी उन्हें कौन सुनेगा जो तेरे सोने का वक्त होगा। ला ताखुज़ुहु सनतुन वला नौम, उसके वास्ते कोई नींद नहीं है, वो सोता नहीं है। जिस वक्त जो आवाज़ कहीं बुलंद हो जाए शर्क़ व ग़र्ब आलम में, वो मालिक सुनने वाला मौजूद। इसी ईमान अकीदे के साथ इमाम सज्जाद मस्जिद हराम में बैठे हुए मुनाजात कर रहे हैं, परवरदिगार अब ये सहर का वक्त वो आया है, आदमियों का क्या जिक्र है, सितारे तक डूब गए। आदमी बिस्तरों के अंदर और सितारे आसमान के पर्दों के अंदर सब चले गए, एक तू है जो बंदे की निगाह के सामने। किसी की निगाह से गायब नहीं, निगाह चाहिए देखने वाली तो हर एक की निगाह के सामने है। और उसके बाद मुनाजात, गिरिया आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी। हाय ये मेरा इमाम कितना रोया है जिंदगी में। कभी मुसल्ले पर आए तो खौफ खुदा से रो रहे हैं, कभी मुसल्ले से हट भी गए तो बड़े से बड़े खौफ खुदा में रोने वाले लोग वो होते हैं तो जितनी देर मुसल्ले पर खड़े हुए हैं आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है। लेकिन उसके बाद जो दुनिया के अपने काम में लगे तो उतनी देर के वास्ते आंसू रुक गए। मगर ये एक बीमारी माँ उधर जाता है, मुसल्ले पर खड़ा होता है तो खौफ खुदा से आंसुओं का सिलसिला है जो जारी है, और जो उधर से हटे खाना सामने आया, कैसे खाऊं तेरा बाबा भूखा मारे। लोगों ने कहा मौला अगर खाना नहीं खा सकते हैं तो पानी ही पी लीजिए, पर मैं कैसे पानी पीऊं, मेरा बाबा प्यासा मारे। चाहने वाला गुजारिश करे मौला आप इतना बेकरार होकर रोती हैं आखिर इसकी वजह क्या है? मसायब दुनिया में आज पहली मरतबा तो नहीं आए हैं, इसके पहले कितने अंबिया मुरसलीन सब मसायब बर्दाश्त कर चुके हैं। पर मैं हाँ, सबके मसायब मेरी निगाह के सामने हैं और सबका गिरिया भी मेरी निगाह के सामने है। अल्लाह ने 12 बेटे दिए याकूब को, एक बेटा खाली निगाहों के सामने से हट गया था। नबी खुदा से मालूम है जिंदा हैं, मगर इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई। कोई मेरे दिल से पूछे जिसके सारे यूसुफ खा के करबला पर गर्दन कटाए पड़े हुए हैं और मुझसे कहते हो कि न रो। जैसे जनाब याकूब का हवाला दिया वैसे चाहने वाले को मौका मिल गया। कहा मौला, मगर याकूब तो इसलिए रो रहे थे कि याकूब के लिए जिंदगी में पहली मरतबा ये हादसा पेश आया था कि बेटा निगाहों से ओझल हो गया। कहा यह तुमने सही कहा कि मेरे वास्ते नया वाकया नहीं है। मेरे जद्द बुजुर्गवार मारे गए, मेरे घर में शहादतों का सिलसिला रहा, पर इतना तो इंसाफ करो कि मेरे घर में शहादतें रही हैं। अजरकुमल्लाह, बस अजीजों मजलिस तमाम कर दी। शहादतें मेरे घर में रही हैं, शहादत हमारी मीरास है, मगर क्या ये भी मीरास है कि माँ बहनों के खुले हुए सर हो, तमाशाइयों का मजमा हो और मुनादी आवाज देता जा रहा हो, आज ही सबाया मिन बनाते रसूलुल्लाह। ये दोस्तराने पैगम्बर है, तमाशाइयों तमाशा देखो। जब चाहने वालों ने देखा कि मौला को किसी बात से तस्कीर नहीं होती, हर तस्करे पर रोने का कोई सिलसिला जारी हो जाता है, तो किसी ने कहा मौला जब तक आप घर में बैठे रहेंगे यूं ही रोते रहेंगे, कभी घर से बाहर निकलिए शायद दिल बहल जाए। फरमाया घर से बाहर निकल कर के घर जाऊं? कहा मौला अगर बाजार की तरफ चले जाए तो शायद दिल बहल जाए। तो बाजार का नाम सुना? कहा मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही? आप बहुत बेकरार हो गए। कहा भाई तुमने बाजार का नाम क्यों ले लिया? जाने वाले हाथ जोड़े, मौला हर बाजार तो बाजार शाम नहीं है, हर बाजार तो बाजार कूफा नहीं है। फरमाया चाहे तुम कहते हो तो चलता हूँ। मशहूर आवाज सुनते रहते। अब जो बैतुल शरफ से बरामद हुए और बाजार की तरफ चले और बाजार कसाबा से गुजर हुआ तो आगे आगे आदमी आवाज देता जा रहा है कि जो जानवर दबा दिए गए हैं उन पर कपड़े डाल दिए जाए। शायद आदमी बीमार दबा शुदा जानवरों को न देख सके। बड़े एहतमाम से मौला को ले जाया जा रहा है। एक बड़ा दूर से नजर पड़ गई कि एक आदमी एक जानवर को दबा करना चाहता है। पुकार के कहा भाई जरा ठहर को जाओ, ठहर जाओ। उसने अपने हाथों को रोक लिया। जब मौला करीब आए कहा तुम्हारा ये काम है, मैं तुम्हें तबाह करने से मना नहीं करता, मैंने इसलिए रोका है कि एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ। उसे हाथ जोड़े का मौला क्या पूछना चाहते? फरमाया तुमने पानी पिलाया है? कहा मौला हमें ये कानून शरीयत मालूम है, हम जानवर को बगैर पानी पिलाए तबाह नहीं करते। भैया सुनना था। उसने कहा वाह बताओ, आए बाबा। और ये कह के खास पर गिर पड़े, अरे जानवर को दबा दिया जाए तो उसे पानी पिलाया जाए। अरे मैं किस किस मुसीबत को याद करूँ, साकिए कौसर का लाल देरे खंजर भी जाता। सयअलमु लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. पैगम्बर आप बुलंद तरीन अखलाक की मंजिल पर फायज हैं। आयत करीमा के ज़ैल में जो सिलसिला कलाम आगाज़ माह मुबारक के साथ अखलाक इस्लामी और सीरत अहले बैत के उन्वान से शुरू हुआ था, वो तकरीबन अपने आखिरी मरहले से करीब तर पहुँच रहा है। हुरूफ़ तहज्जी में तीन ही हुरूफ़ बाकी रह गए हैं और मजलिसें भी तीन ही बाकी रह गई हैं। उसी तरतीब के एतबार से कुछ बातें आज वसीयत और विलायत से मुताल्लिक़ गुजारिश करना है। गुज़श्ता मजलिस में मैंने इस नुक्ते की तरफ इशारा किया था कि इंसान के मालियात का मुस्तकबिल दो वसाइल से तय होता है, या माल उनके हाथ में होगा जो वारिस कहे जाते हैं, या माल उसके कब्जे में होगा जिसको वसी बनाया जाएगा। विरासत इंसान के इख्तियार का काम नहीं है। बहरहाल जो रिश्तेदार होगा वो यकीनन माल का वारिस हो जाएगा, लेकिन वसीयत एक ऐसा काम है जो इंसान के अपने इख्तियार में है। अगर इंसान ने इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं किया और माल किसी गलत रास्ते पर चला गया तो उसका जवाबदेह रोज़ क़यामत इंसान को होना पड़ेगा। कुतिब अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुम, तुम में से कोई इंसान जब उसकी मौत सामने आ जाए तो उसका फरीज़ा करार दिया गया है कि अगर कुछ माल छोड़कर जा रहा है तो उसके बारे में वसीयत करके जाए। इस कुतिब अलैकुम के मानी अगर कभी इंसान की समझ में ना आए तो माह रमज़ान में तो बहरहाल समझ में आएंगे, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने रोज़े को भी इसी लहजे में वाजिब किया है जिस लहजे में वसीयत को फ़र्ज करार दिया है। ज़्यादा इंसानी जिम्मेदारी है कि अपने माल को तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए वसीयत करे, और इस वसीयत को मालिक ने इतनी अहमियत दी है कि नुक्ता काबिल तवज्जो है। परवरदिगार आलम ने मसले वसीयत को इतनी अहमियत दी है कि मुआमलात की दुनिया में नाबालिग के किसी मामले को इस्लाम ने हतमी और आखिरी शक्ल नहीं दी। इबादत की मंजिल में सबको आज़ाद रखा है। बालिग इंसान इबादत करेगा उसकी इबादत भी इबादत ही कही जाएगी, और नाबालिग इंसान इबादत करेगा तो उसकी इबादत का नाम भी इबादत ही होगा। एक बालिग इंसान नमाज पढ़ता है, उसकी नमाज भी नमाज है, और उसकी नमाज का फ़ायदा यह है कि फरीज़ा अदा हो जाता है। और नाबालिग जो नमाज पढ़ता है उसकी नमाज भी नमाज ही है, उसके ज़िम्मे कोई फ़र्ज़ नहीं है। उसकी नमाज का फ़ायदा उसे भी होता है, उसके माँ बाप को भी होता है, उसे नमाज सिखाने वालों को भी होता है। यानी एक अमल है जिसके फैज से मुख्तलिफ लोग फैज़याब होते हैं। जिसने भी इस कार्य खैर में कोई हिस्सा लिया है बहरहाल उसके अजर व सवाब का हकदार है, मगर ये भी याद रखेंगे कि हर एक सवाब का हकदार है मगर दूसरे के सवाब का हिस्सेदार नहीं है। कि किसी इंसान को ख्याल पैदा हो जाए कि गरीब ने एक नमाज पढ़ी है, एक नमाज का सवाब मिला, वो चाहता हमको मिल जाए, बाबा जान चाहते हैं हमको मिल जाए, मादरे गिरामी चाहती हमको मिल जाए, मुअल्लिम मुदर्रिस चाहते हमको मिल जाए, मालूम एक सवाब चार के दरमियान लुट गया। ये ऐसा नहीं है, हकदार सब हैं, हिस्सेदार कोई नहीं। परवरदिगार आलम ने एक सवाब को चार में बांटने का कोई प्रोग्राम और इरादा नहीं किया है, मालिक ने हर एक को सवाब को हकदार बनाया है, इसलिए कि हिस्सा वहाँ कायम किया जाता है जहाँ माल कम होता है और जहाँ लेने वाला बंदा देने वाला परवरदिगार, वहाँ खजाने कुदरत में कमी क्या है कि एक सवाब को तकसीम कर दिया जाए। जितने अमल करने वाले बढ़ते जाएंगे उतना ये सवाब बढ़ता जाएगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो इबादत की मंजिल में हर एक की इबादत को इबादत करार दिया गया है और यही से ज़िम्नन ये मसला भी आप जहन में रखने का भी काम आएगा। मिसाल के तौर पर नमाज जमात के बारे में कहा गया कि अगर जमात की सफ़ें कायम हो गई हैं और दो आदमियों के दरमियान जो आगे पीछे खड़े हैं उनके दरमियान भी और जो बराबर से खड़े हैं मसलन सफ़े अव्वल में उनके दरमियान भी एक महदूद फासला है कि इससे ज़्यादा अगर फासला हो जाए तो नमाज बेकार हो जाएगी। मसलन जहाँ सफ़े अव्वल के लोग खड़े हुए हैं दूसरी सब वालों के लिए कहा गया कि वो जब खड़े हों तो इस तरह खड़े हों कि जहाँ इनके कदम हैं और जहाँ उनका सजदा होता है इन दोनों के दरमियान ज़्यादा फासला न होने पाए। मसलन एक फीट का फासला या चलिए एक हाथ का फासला, लेकिन इससे ज़्यादा अगर फासला हो जाए कि मालूम इनके खड़े होने की जगह कहीं और है और उनके सजदा करने की जगह कहीं और है, अगर फासला ज़्यादा हो जाए तो ये नमाज सफ़े अव्वल वालों की हो जाएगी, दूसरे सब वालों की नमाज बेकार हो गई। इसलिए सफ़ों के दरमियान ज़्यादा फासला नहीं हो सकता है। दूसरा मसला यह है कि सफ़े अव्वल में जो 50 आदमी खड़े हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर हर एक के इमाम तक पहुँचने का ज़रिया वही आदमी है जिसके बराबर में खड़ा हुआ है। वो 50वां आदमी जो खड़ा हुआ है वो इमाम तक कैसे पहुँचा है? 49वें के ज़रिए, वो 48वें के ज़रिए, यूँ ही सिलसिला इमाम तक पहुँच गया। तो चूँकि ये तसलसल इमाम तक पहुँचता है इन लोगों के ज़रिए जो दरमियान में खड़े हुए हैं। दाहिने वालों के लिए दाहिने वाले वसीला है, बाएं तरफ खड़े होने वालों के लिए वो लोग जरिया हैं। तो इन जराए के दरमियान अगर फासला हो गया, मसलन 50 आदमियों की सफ है, दरमियान में इमाम, उसके पीछे 50 आदमी खड़े हुए हैं, 25 आदमी इमाम के बाएं तरफ और 25 आदमी इमाम के दाहिनी तरफ, और आप आखिरी आदमी हैं कि आपके इमाम तक पहुंचने का जरिया ये 24 आदमी हैं। ये जितने आदमी खड़े हुए हैं अगर ये सब बराबर से खड़े हुए हैं तो इसके माने कि आपका सिलसिला इमाम तक पहुंच रहा है, लेकिन अगर दरमियान में फासला हो जाए, एक हाथ से ज्यादा का अगर फासला हो जाए, एक साहब यहाँ खड़े हैं, एक गज के फासले पर दूसरे साहब, एक गज के फासले पर तीसरे साहब, और यूं ही चले जाएं, जो पहले साहब इमाम के पीछे खड़े हैं इनकी एक नमाज तो हो गई, बाकी जितने खड़े हुए हैं इनकी नमाज के जमात से कोई ताल्लुक नहीं। फिर दो आदमियों के दरमियान एक हाथ से ज़्यादा का फासला नहीं हो सकता है। अभी एक हाथ पे फासला रखा गया, कभी फासला वाकई खाली होता है, फासला होने के मानी एक जगह खाली पड़ी हुई है, तो अगर इतनी जगह खाली है तो खैर कोई हर्ज नहीं है, इससे ज़्यादा अगर खाली हो जाए तो नहीं हो सकता। और फासले की एक किस्म और भी है कि अगर एक हाथ पे जो फासला हमने छोड़ा है वो खाली ज़मीन नहीं है, वहाँ एक साहब खड़े हुए हैं और माशाल्लाह हैं तो उम्र के एतबार से बहुत बड़े हैं, नमाज पढ़ते बिल्कुल गलत और करें, हो सकता है कि 60-70 साल की उम्र के हों लेकिन नमाज पढ़ते अव्वल आखिर बिल्कुल गलत, बातिल, मोहम्मद, बेकार। हमको मालूम है, हम ये समझे कि चूँकि सिलसिला इमाम तक पहुँच गया है लिहाजा हमारी नमाज जमात में हो जाएगी, ये गलत ख्याल है। सिलसिले के मानी आदमियों के खड़े होने के नहीं है, वरना दो चार हिंदू आके खड़े हो जाए क्या फर्क होता है, मतलब सिलसिला पहुंच गया वहां तक, ऐसा कोई कानून नहीं है। सिलसिला नमाजियों का होना चाहिए, वरना अगर कोई आदमी मसलन लकड़ी के या प्लास्टिक के 25 मुजस्समे खरीद के लिए आए। हमारा दिल चाहता कि हम दीवार के पास खड़े हों और ईमान से लेके वहाँ तक मुजस्समों की एक लाइन लगा के खुद जाके वहाँ खड़े होगा दीवार के पास, ये नमाज हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? सिलसिला तो है, सिलसिला नमाजियों का चाहिए, हाँ, सिलसिला मुजस्समों का नहीं चाहिए। तो ये आदमी जो बशक्ल आदमी खड़ा हुआ है, अगर इसकी नमाज बातिल है, गलत है, तो इसको नमाजी तो नहीं कहा जाएगा। यही एक आदमी वो है जो दरमियान में दो के फासला हो जाएगा। तो अगर एक आदमी दुबला पतला है जो एक हाथ के अंदर ही खत्म हो जाता है, तब तो कोई हरज नहीं। लेकिन अगर ये आदमी दरमियान में खड़ा हुआ है, माशाल्लाह सेहतमंद है जिस्म के एतबार से और इंतहाई कमजोर है रूह के एतबार से, अमल के एतबार से इंतहाई नहीं, वो लागर नातमा, अमल में कोई दम ही नहीं है, और जिस्म के एतबार से चलिए रुस्तम के खानदान का मसलन, तो इस आदमी के खड़े होने का नतीजा क्या होगा? इसकी नमाज तो गलत हुई। और जितने आदमियों का सिलसिला इमाम तक पहुंचा है इसके जरिए से, सबकी नमाज जमात गई। तो तीनों साल के एतबार से बालिग है, आकिल है, और कुछ आगे निकल जाइए 50 साल 60 साल का आदमी है, मगर उसके बाद भी इसका खड़ा होना नमाजियों की नमाज के लिए मुज़िर हो गया। उसके बरखिलाफ अगर इसकी जगह पर दो बच्चे खड़े होते 10-10 साल के, यही नुकता समझने का है। ये एक आदमी इतना तंदुरुस्त यहाँ के खड़ा हो गया गलत नमाज पढ़ने वाला, अगर इसकी जगह पर 8-8, 10-10 साल के दो बच्चे खड़े होते, शायद जगह इससे ज्यादा ले लेंगे। लेकिन अगर बच्चे नमाज सही पढ़ रहे हैं तो जहाँ तक भी जमात का सिलसिला चला जाएगा, नमाजें सबकी सही होंगी। इसलिए कि हमें रब्त नमाजियों से जोड़ना है, आदमियों से नहीं जोड़ना है। तो अगर इस्लाम में बच्चों की इबादत को इबादत न माना होता तो ये दो बच्चे वैसे ही जमात को दरहम बरहम कर देते जैसे वो एक बूढ़ा तबाह कर रहा था, मगर उसने जमात को खराब किया, इन्होंने जमात को खराब नहीं किया। अब जो आपने इसके माने क्या हुए? अगर बासलाहियत बच्चे हों तो वो जमात को दरहम बरहम नहीं करते, अगर बुढ़ा भी बेसलाहियत हो तो सारी जमात को दरहम बरहम कर देगा। एक सलावत बोले मोहम्मद वाले। इसलिए इस्लाम में अमल देखा जाता है, जवान बूढ़ा बच्चा तो नहीं देखा जाता है। जिसमें सलाहियत पाई जाती है वो खड़ा हो सकता है, उसी से इत्तिसाल कायम होगा। नहीं और क्या, इमाम तक पहुंचने का वही जरिया बनेगा जिसका अमल सही हो। जिसका अमल बर्बाद हो वो इमाम से रिश्ता तोड़वा सकता है, इमाम से रिश्ता जोड़ नहीं सकता है। ये इस बात की अलामत है कि इस्लाम ने बच्चों की इबादत को इबादत तस्लीम किया है। वरना देखते तो नाबालिग इनकी नमाज को एतबार की, जो पुराने जमाने के बूढ़े लोग समझा करते थे। हाँ, आपने देखा होगा, कई बच्चे तो जानते भी नहीं है। हमने अपने बचपने में देखा कहीं इत्तेफाक अगर सब अव्वल में दो बच्चे खड़े हो गए, देखा आफत आ गई। हाँ, और मैंने यही तजुर्बा किया इसी मस्जिद में, करीब मस्जिद में जहाँ नमाज पढ़ा करते थे। वो बेचारा एक बच्चा साहब के साथ आ गया और वो बाप के साथ आगे पहली सब में खड़ा हो गया। एक साहब ने गवारा पीछे हटो, वो गरीब हट के पीछे, अब दूसरी सब में जिनके बराबर में खड़ा हुआ उन्होंने भी हिदायत दी, ये बच्चों की जगह ये चला गया। और उसको दूसरे नहीं देखा। 2-4 शादी के बाद एक जगह कहीं इफ्तार गया किसी मुनासिबत में, मैंने उन साहब के साथ उस बच्चे को देखा। तो मैंने उससे पूछा कि तुमको एक दिन मैंने नमाज में देखा था, उसके बाद से तुमको नहीं देखा। पहले सैयद मैं नमाज में आया और मैं आगे खड़ा हुआ, एक साहब ने कहा वारा, मैं पीछे हट गया। वहाँ गया दूसरे ने कहा वारा, मैं और पीछे हट गया। तीसरे पास गया, उनका वारा, और पीछे हट गया। तो मैं इसकी दूर चला जाऊँ कि फिर कोई वारा न कहे, मैं मुस्तकिल जाके अपने घर बैठ गया। वही एक जगह है जहाँ कोई कहने वाला नहीं कि पीछे हटो, वरना आपकी जमात में हम लोगों की कोई जगह नहीं है। इस पर बुढ़ों की इजारादारी। हाँ, तो जिस जमाने बुजुर्ग के ख्याल क्या करते थे कि हमसे अच्छी नमाज पढ़ना कोई जानता ही नहीं है। उनका ख्याल है जितने बूढ़े हैं सब सफ़े अव्वल में आगे खड़े हो जाएं ताकि मालूम इस्लाम की सफ़े अव्वल है। और जितने बेचारे बच्चे हैं और जो तो बेचारे बच्चे उनके पीछे हटा दिए जाए, इसलिए उनकी कोई हैसियत नहीं है। इत्तेफाक एक जगह ये तजुर्बा हुआ कि दो बच्चे नौजवान तो नहीं कहा जाता ना, हमारे बच्चे 12-14 साल के, वो बेचारे आके नया शौक था नमाज सीखने का, नमाज पढ़ने का, वो आगे खड़े हो गए। बुजुर्गों ने हंगामा कर दिया। अब बच्चे रोने लगे कि पहली मरतबा हिम्मत करके आगे आए जो हमको पीछे झगेल रहा है। बच्चे रोने लगे। मैंने कहा बेटा रोने क्या बात है, कह हम यहाँ के बैठ के आराम की तरफ नारायक हो, बदतमीज हो, बदतमीजी नहीं हमारा पढ़ लेंगे, पीछे हटो। तो मैंने कहा भाई इस लहजे की, इस बर्ताव की क्या जरूरत थी। कल मौलाना आप बताइए बच्चे हैं ये क्या जाने नमाज। तो मैंने कहा बात माकूल कहते आइए दोनों आदमी बैठ जाइए। मैंने कहा बेटा अरकान नमाज कितने हैं। उसने कहा 5। वाजिबात तो बहुत हैं, वाजिबात में से अरकान जो हैं नमाज के, उसने कहा 5। मैंने कहा बुजुर्गवाद गुस्ताखी में आप अरकान नमाज कितने हैं। मुझे खबर नहीं, ये मालूम है कि ऐसे उठा जाता है ऐसे बैठा जाता है, बाकी अरकान क्या होते हैं, वाजिबात क्या होते हैं, मुस्ताहबात क्या होते हैं, इसलिए कि उनका मुस्ताहबाती का सारा जोर है, वाजिबात तो जानते भी नहीं। मैंने कहा गुस्ताखी माफ कीजिएगा, अब तो मुझे कल तक की जमातों के बारे में सोचना पड़ रहा है जिसमें आप जैसे हजरात खड़े हुए थे, इन बेचारों के नमाजों का हाल होगा जो आपके पीछे खड़े हुए थे। आपको तो खबर ही नमाज किसको कहते हैं, इन बच्चों को नमाज तो मालूम है। परवरदिगार आलम ने जमात नमाजियों की कायम की है, सिरो साल वालों की जमात नहीं कायम की है। ये तो गनीमत जानिए क्योंकि सबको आपका हाल नहीं मालूम था। मैंने गलत का सोचिएगा क्योंकि बाकी लोगों का आपका हाल नहीं मालूम था, लिहाजा वो आपके पास खड़े हो गए, उसके आपके पीछे खड़े हो गए तो उनकी नमाज सही भी हो गई, खुदा ने कबूल भी कर लिया। वरना अगर आपकी इस औकात का उन्हें अंदाजा होता तो परवरदिगार उनको इजाजत ही न देता आपके पीछे खड़े होने की। इसलिए कि इस्लाम में जाहिलों को आगे नहीं बढ़ाया जाता, इस्लाम में अहले इल्म को आगे बढ़ाया जाता। इसलिए सफ़े अव्वल के आदाब में रखा गया है कि सफ़े अव्वल में ऐसे लोगों को खड़ा किया जाए, अगर जमात में ऐसे लोग पाए जाते हैं, ऐसे लोगों को खड़ा किया जाए कि खुदा न करता अगर इमाम पर कोई हादसा हो जाए तो इन्हीं को आगे बढ़ा दिया जाए और जमातें दरहम बरहम न होने पाए। किसी के मौत का वक्त मुअय्यन तो है नहीं, न पेश नमाज होने के माने के मलकुल मौत से एग्रीमेंट लिखवा लेता है जब नमाज मुकम्मल हो जाए तभी आना, बीच में ऐसा तो नहीं होता है। हो सकता है इमाम नमाज पढ़ा रहा है और सारे मोमिनी उसके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, 2 रकात नमाज खत्म हुई तो मलकुल मौत आ गए। अगर फरिश्ते वही बीच में आ सकता है क़िबला इधर नहीं इधर, वो तो इंतजार नहीं करता है, फरिश्ते वही तो इंतजार नहीं करते पैगम्बर नमाज तमाम कर लें, असल में देखा जाएगा क़िबला बदल जाएगा। अगर फरिश्ते वही दरमियान में आके क़िबला बदलवा सकता है तो फरिश्ते मौत आके जगह भी बदलवा सकता है। चलिए आपकी जगह ये नहीं है, अल्लाह ने आपसे बहुत ऊंची ऊंची जगह मुअय्यन कर दी है, बहुत अच्छी जगह। तो जैसे खुदा न करता कोई हादसा हो जाए और इमाम गिर जाए, मलकुल मौत आ गए, कब्ज़ रूह जिंदगी का खात्मा गिर जाए, तो उन्हीं नमाजियों में से जो आदमी भी काबिल है कि उस जगह को संभाल सके उसी को जरा एक कदम आगे बढ़ा दिए और सारे मोमिनीन अपनी नीयत तब्दील कर लेंगे उस इमाम से इस इमाम तरफ, मगर दिल ही दिल में। हाँ, वरना अगर कोई बिल्कुल असली नीयत करने वाला है, होशियार अब मैं नीयत बदलने जा रहा हूँ, वो गए तो गए मगर मेरी नमाज कहीं नहीं जा सकती है, मैं उनके बजाय इनके पीछे पढ़ूंगा। हाँ, तो कहीं नहीं जा सकती मगर बिल्कुल जा सकती है। दरमियान नमाज जहाँ कोई कलाम हुआ वहाँ नमाज बातिल हो गई, बेकार होगी। यानी ये नीयत भी जो कुछ होनी रहती है दिल में वो बदली जाएगी, वो दिल में बदली जाएगी और बाकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अब कोई साहब सोचें कि ये साहब जो एक कदम आगे बढ़ गए और इनकी नमाज का हासिल क्या होगा, कि बाद में बात पैदा होती है कि हमने एक कदम उनको आगे बढ़ा दिया कि आप आगे बढ़ जाइए ताकि लोगों की नमाज जमात हो जाए। देखिए आप ही हैं जो पढ़ाने के लायक हैं, बाकी और तो हमारी सब में कोई आदमी ऐसा नहीं है। तो मुमकिन बाद लोग सोचें कि ये एक कदम जो नमाज में आगे बढ़ गए, नमाज पढ़ते पढ़ते, तो खुद इनकी भी रह गई या नहीं। इनकी नमाज अगर रह गई तो बाकी लोग इनके पीछे पढ़ें, और अगर एक कदम पढ़ने में इन्हीं की नमाज चली गई तो बाकी लोग पढ़ेंगे पीछे पीछे। तो इस्लाम ने इस मसले का भी हल तय कर दिया। मसला इमाम का नहीं, हर एक के लिए है। मिसाल के तौर पर आप मस्जिद में दाखिल हुए नमाज जमात पढ़ने के लिए, और जब आप मस्जिद के अंदर आए तो आपने देखा इमाम हालत रुकू में है, तो जब तक आप इमाम तक पहुँचें और वहाँ जाके नियत करके रुकू में जाएं तब तक इमाम सर उठा लेगा, यानी ये रकत आपसे गई। परवरदिगार आलम ने कहा कोई परेशानी की बात है मेरे बंदे, तेरे मसले का हल मेरे पास है। जहाँ मस्जिद में दाखिल हुआ है जो इमाम से यानी सफ़ों से मसलन 4 गज के फासले पर है, वही जमात की नीयत करके वही इमाम के साथ रुकू में चले जाओ। सुभान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दिह। और जैसे इमाम सर उठाए वैसे आप भी वहीं सर उठाएं और उसके बाद 4 गज का फासला तय करके वहां आके साथ खड़े हो जाएं जहां सब खड़े हुए हैं और सज्दे में सबके साथ चले जाएं। और हमसे न पूछिएगा कि नमाज में 4 गज कैसे चले, इसलिए कि नमाज न उठने का नाम है न बैठने का नाम है, नमाज हुक्म खुदा की बात का नाम है। परवरदिगार के पैरों के बल खड़े हो जाओ तो पैरों के बल खड़ा होना यही नमाज है, और खुदा के सर के बल खड़े हो जाओ तो नमाज उसी का नाम है। नमाज तो खुदा की बंदगी का नाम है, वहाँ किसी की वर्जिश चलती नहीं है कि यह तरीका हमको अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मुजाहिदीन राह खुदा के मैदान जंग में कहा गया क्या कि इतना मौका नहीं है कि घोड़े से उतर के नमाज पढ़ सको, तो घोड़े पर बैठे रहो, तलवार चलाते रहो, नमाज पढ़ते रहो, ताकि दुनिया से जाओ तो बंदगी में जाओ, बंदगी से मुनहरिफ होके न जाओ। ये सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। खैर, माह रमजान के जाते जाते ये चंद मसाइल भी अगर जहन में पड़े रह जाएं तो इंशाल्लाह साल भर काम आएंगे। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, इस्लाम ने बच्चों की नाबालिगों की नमाज को नमाज माना है, यही वजह है कि उनके खड़े होने से फासला नहीं होता है, नमाजियों का सिलसिला है। उनके रोजे को रोजा माना है, उनके हज को हज माना है, कि ज़कात को ज़कात माना है। इसीलिए परवरदिगार आलम अज्र व सवाब देता है। ये जरूर एक एडवांस बुकिंग नहीं होती है, इसके मानी समझ गए होंगे आप। हाँ, कि 10 साल से नमाज शुरू कर दी और जब 15 के हो गए तो 5 साल गायब कर दी, इसलिए कि 5 साल तो एडवांस में है ही है। जो उसका हिसाब खत्म हो जाएगा फिर शुरू करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। परवरदिगार आलम क्या कोई चीज रखी नहीं जाती है, तुमने बचपने में पढ़ी हमने सवाब दे दिया। तो जो 10 साल की उम्र में पढ़नी या पढ़ी जाने वाली नमाज पर अगर कि हमने वाजिब नहीं किया था, जो सवाब देना जानता है 15 साल के बाद जब वाजिब कर दिया और उसके बाद छोड़ दी, तो मालिक आवाज देगा जो उस उम्र में सवाब देना जानता था वो इस उम्र में अजाब करना भी जानता है। तो बालिग हो के हमसे बड़े नहीं हो गए हो कि हम अजाब करने के काबिल न रह जाओ, बल्कि अब तो शऊर पुख्ता हुआ है, अब तो और बंदगी करना चाहिए थी। ऐसे जवानों से तो वो बच्चे ही अच्छे हैं कि जिन्हें शऊर बंदगी तो है, वरना जो शऊर बंदगी से महरूम हो जाए क्या जवानियों क्या सही थी उसकी कोई कदर कीमत नहीं। ये मसला है इबादत का। तो इबादत के मामले में परवरदिगार आलम ने नाबालिगों की इबादत को इबादत करार दिया है, लेकिन जब मामलात की दुनिया शुरू हुई, तिजारत, किराया, मुसाकात, जितने तौजील मसाइल में आप देख लेंगे जितने मामलात के बाब हैं, यहाँ हर जगह पर बालिग होने की शर्त, नाबालिग की तिजारत को इस्लाम ने तिजारत तस्लीम नहीं किया। मामला जब तक उसके पीछे कोई बालिग ना हो, नाबालिग की किराएदारी को किराएदारी तस्लीम नहीं किया जब तक उसके पीछे कोई बालिग ना हो, नाबालिग के मुजारबे को मुजारबा नहीं माना, उसके किसी मामले को इस्लाम ने उसके किसी मामले को काफी नहीं करार दिया जब तक उसके पीछे कोई बालिग ना हो। इबादत में नाबालिग की हर इबादत को इबादत मान लिया, मगर मामलात जिंदगी में किसी नाबालिग के मामले को नहीं माना। ये फिलहाल आप ज़हन में रखें, ज्यादा सोचने की कोशिश न करें वरना सारी बात रह जाएगी। उसको खाली से याद रखें कि इस्लाम ने इबादत में नाबालिग की इबादत को इबादत माना है, लेकिन नाबालिग के मामलात को मामला तस्लीम नहीं किया है जब तक उसके पीछे कोई बालिग ना हो। अगर नाबालिग खाली जरिया है, हमने दुकानदार से पुकार के कहा कि जरा 1 किलो शक्कर दे दीजिएगा, उसने बच्चे से भिजवा दिया, अब हम खड़े हुए। इसलिए इस्लाम ने नाबालिग के मामले को तो माना नहीं है, इस बच्चे से शक्कर की थैली कैसे लें, नहीं इसमें कोई मजाका नहीं है। क्यों? इसलिए कि तरफ मामला जिससे मामला के वो ये नहीं है, तरफ मामला वो है जो दुकान पर है, सौदा उससे हो रहा है, ये तो खाली पहुंचाने का जरिया है। चाहे बच्चा इस्तेमाल किया जाए, चाहे यहाँ कोई बूढ़ा आ जाए, चाहे कोई मर्द आ जाए, चाहे कोई औरत आ जाए, हद ये है कि अगर दुकान पर कोई बंदर बिछा दिया जाए, तरक्की याफ्ता दौर की पहचान। हाँ, आज के तरक्की याफ्ता दौर में जितने बचे हुए पुराने जारविल के औलाद हैं, अब दौर हाजिर का फैशन ये कि दुकान पर बंदर बैठे हुए हैं। तो अगर आप सौदा बंदर से कर रहे हैं तो इस्लामी नुक्ते निगाह से ये तिजारत बातिल है। न पैसे का मालिक बंदर होगा, न शकर के मालिक आप होंगे। लेकिन अगर बंदर खाली जरिया है पहुंचाने का, यानी बेचने वाला कोई और है, सौदा देने वाला कोई और है, दुकानदार कोई और है, उसे दरमियान में आपको देने के लिए एक जरिया बनाया। इसलिए मुल्क ऐसा है कि जहाँ बेईमानों की कसरत है। जानते हैं कि अगर हमने कहीं थैली बढ़ाई तो ये कम्बा थैली लेके चला जाएगा, पैसा नहीं देगा। हो सकता है यही मसला तो 15 को लाने की, वरना कि आदमी कब पड़ गए क्या। हाँ, वो कहते हैं एक एयरपोर्ट पर एक साहब नाजिल हुए, कहाँ जो ना पूछिएगा। एक एयरपोर्ट पर एक साहब नाजिल हुए और कस्टम वाले आए तहकीक तफ्तीश के वास्ते, सामान चेकिंग के वास्ते, और हाथ में रस्सी पकड़े हुए कुत्ता साथ। तो उसे मुसाफिर ने जरा कुछ नाराजगी का, उसका तो सकता नहीं मुसाफिर बेचारा, जरा बोलेगा वापस कर दिया जाएगा। उसे जरा नाराजगी का इजहार किया तो ऑफिसर ने पूछा आपकी मर्जी क्या है, आप बता दीजिए कि आपकी तफ्तीश, आपके सामान की चेकिंग हम करें या कुत्ता। उससे कम माफी फर्क। मतलब वो समझा कि सरे तस्वीर कम है, यानी मतलब जो है अब आपके मुल्क में आ ही गए हैं, अब जो चाहे करें आप, कैसे वो तफ्तीश करे, कोई तहकीक करे। मैं इसे हद तक क्या असर पड़ता है, मैं तो भाई को चोरी का माल लाया नहीं हूँ, कोई स्मगलिंग करने आया नहीं, मुझे क्या है। लेकिन बारह जो उसने कहा वो वही समझा जो अहले नजर समझे। एक सलावात पढ़ो। तो हो सकता है भारत मकसद ये है कि अगर आदमी सौदा करने वाला, मामला करने वाला, तिजारत करने वाला है और दरमियान में कोई वसीला जरिया पहुंचाने का बन जाए तो कोई हरज नहीं है। वरना जाहिर है कि इंसान तिजारत करे कुत्ते से, बिल्ली से या मतलब बंदर से, उसका नाम इस्लाम में तिजारत नहीं है। खैर, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था, इबादत में इस्लाम ने बच्चों के सारी इबादतों को इबादत माना है। ये ट्रेनिंग नहीं है, ये मशक नहीं है, इबादत है। लेकिन मामलात में नाबालिगों के मामलात को इस्लाम ने तकलीफ नहीं किया है। इस सुर्खी को याद रखिएगा ताकि मैं इस लफ्ज़ की कदर कीमत जानता हूँ। सारे मामलात में फकत एक मामला है कि अगर नाबालिग भी करे तो इस्लाम कबूल कर लेता है। सारे मामलात में तन्हा एक मामला है कि अगर नाबालिग भी करे तो इस्लाम उसके मामले को मान लेता है। फिर एक मामला और कोई नहीं। नाबालिग निकाह करना चाहे तो नहीं कर सकता जब तक वली की इजाजत न हो। नाबालिग किसी का निकाह पढ़ना चाहे नहीं पढ़ सकता है जब तक उसके पीछे कोई वली ना हो। गौर करें, लेकिन एक मामला है तनहा जो इस्लाम ने नाबालिग के मामले को भी कबूल कर लिया है और उसी का नाम है वसीयत। गौर करें, यानी 10 बरस के बच्चे का पढ़ा हुआ निकाह बेकार, 10 बरस के बच्चे की हुई तिजारत बेकार, 10 बरस के बच्चे के मामला बेकार। लेकिन 10 बरस का बच्चा अगर वसीयत कर दे तो इस्लाम इस वसीयत को कबूल कर लेता है। शायद मसला ये हो कि दुनिया वाले लफ्ज वसीयत से सुने घबराते हैं कि 80 साल के हो गए और कहीं वसीयत का नाम आ गया तो जान निकलने लगी। इस्लाम ने कहा हमने तो इसको इतना बाबरकत बनाया है, इस मसले को इतना अहम बनाया है कि बूढ़े का क्या जिक्र है। अगर बच्चा भी वसीयत करना चाहे तो हम उस वसीयत को तस्लीम कर लेते हैं ताकि कौम में हौसले वसीयत पैदा हो। वसीयत को बदशगूनी न बनाया जाए, फरीजे की अदायगी करार दिया जाए। तो सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। वरना आप जानते हैं हमारा माहौल क्या है। 70 साल की उम्र हो गई है, 2 महीने से बीमार पड़े हुए, अस्पताल में बिल्कुल कोमा में चले गए। दूसरा से होश आया और किसी बदनसीब ने कह दिया ये 2 मिनट जो आपको मदद मिल गए हैं बेहतर ये कि आप कुछ कहना चाहते फरमा दीजिए। जिंदगी भर घर वालों से बोलचाल बंद। अरे पूछो, मरे हुए तो पहले से थे वो, जो 2 महीने 3 महीने से बेदवाद पड़े हुए हैं। ये होश तो मुर्दों में तो पहले शुमार है। चलिए अल्लाह ने इतना मौका दे दिया कि जरा होश आ गया, उस बेचारे ने अगर मुतवज्जे कर दिया कि आपकी कोई तमन्ना है, आरजू है, अपने माल के बारे में, अपने सामान के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो बेहतरीन मौका कह दीजिए ताकि उसी के मुताबिक उसे इस्तेमाल किया जाए। सारे घर वाले दुश्मन हो गए, तो हमारे बाप के दुश्मन हो तो मैं क्या दिलचस्पी है। यानी लफ्ज वसीयत को हमेशा इतना जलील समझा गया है। मैं चाहता हूँ इस नुक्ते को आप पहचाने और इस पैगाम को आगे बढ़ाएं। कभी तो वो दिन आए तो जरा सा इंसान का मिजाज इस्लामी बने, थोड़ा सा पूरा तो क्या बनेगा? नहीं, जरा सा कुछ इस्लाम का असर कहीं तो दिखाई दे, या सब वही खाली देहाती निज़ाम जो चल रहा है उसी का नाम इस्लाम रख दिया। वसीयत इंसानी जिंदगी का सबसे अहम काम है। अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपने माल के मुस्तकबिल के बारे में खुदा न करता अगर आपके जिम्मे भर की कुछ नमाजें बाकी हैं, मौका नहीं मिला, सोते रह गए, 5 दिन की नमाज आपके जिम्मे रह गई और आप मर के चले गए। घर वालों को हमेशा आपको नमाज पढ़ते देता है, वो तो मुतमईन बैठे हुए हैं कि बाबा जान ने, भाई जान ने सारी नमाजें अदा कर दी हैं। इन 5 नमाजों का जवाब दे कौन होगा? पकड़े तो आप ही जाएंगे, मरम्मत तो आप ही की होगी, मार तो आप ही जाएंगे, जहन्नम में तो आप ही जाएंगे। घर वाले तो खाली खुश होंगे, इसलिए जो आएगा पुरस्कार देने के लिए कहेगा माशाल्लाह मरहूम क्या नमाजी थे। ये तो वहां जाके देखो मरहूम कहाँ है। हाँ, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद वहां मरम्मत न हो तो अगर मौका है तो खुद पढ़ के जाएं, अगर नहीं तो कम से कम वसीयत कर दी जाए ताकि बच्चों को मालूम है कि बाबा की 5 दिन की नमाज रह गई है, कोई बड़ा काम नहीं है, वो अदा कर दे तो आपकी नजात का सामान हो जाए। कितना रहीम व करीम है वो परवरदिगार कि जिसे मरते मरते आदमी को इतना मौका दे दिया कि अगर तुम चाहो तो वसीयत करके चले जाओ, अगर तुम्हारे बाद वाले भी अमल कर देंगे तो हम तुमसे हिसाब नहीं करेंगे। अमल करने वाला कोई और होगा, नजात पाने वाला कोई और होगा। इस सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। खुदा इतनी मेहरबानी करना चाहता है, बंदे बदशगुनी के मारे हुए हैं, उनकी जान इसी में निकली हुई कि बदशगुनी हो गई, क्यों मौत का नाम ले लिया। जैसे मतलब मौत का नाम न लेंगे मरेंगे नहीं। मैं बाद औकात ये कहा करता हूँ लोगों, जहाँ ऐसे लोग पाए जाते हैं वहमी, शक्ति, वसवासी लोग पाए जाते हैं, उनसे यही कहा करता हूँ कि बाप दादा से तो हम भी देख रहे हैं कि इन सारे मामला पे एहतियात की जा रही है। रात के वक्त मौत का नाम न लो, फला दिन न लो, ये न करो, वो न करो। इतनी एहतियात करने के बाद भी सब मरे ही चले जा रहे हैं। और क्या जितने उसूल नानी ने बनाए उस पर अमल किया, खाला ने बनाया उस पर अमल किया, दादा ने बनाया उस पर अमल किया, सारे उसूल की मुकम्मल पाबंदी कर रहे हैं। और सब वो नानी जिन्होंने सबको उसूल सिखाए थे वो भी चली गई। आखिर इस एहतियात का फायदा क्या हुआ जब आप जानते हैं कि बिलाखिर चला जाना है? इस एहतियात से परहेज से कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो जब जानते हैं कि काम होने वाला है तो तैयारी करो, खाली एहतियात से क्या फायदा? यानी अब कभी मौत का नाम मिलेगा तो कभी मरेंगे। कोई आदमी तस्वीर है कि जिंदगी भर सब सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब भूल के खाली जिंदगी करता रहे तो मरेगा तो बाहर। जो जिंदगी करने से मरना ही है, तो इससे बेहतर कि मौत कीजिए ताकि मौत याद रहे तो आगे का इंतजाम भी करें। ऐसी हिमाकतों पड़े रहने से क्या फायदा कि जिससे आदमी मुस्तकबिल से गाफिल हो जाए और आखिरत भी बर्बाद हो जाए। इसीलिए कुरान मजीद ने जिंदगी कहीं नहीं किया है, जितनी तकरार कुरान मजीद ने मौत की है। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लो मन अलैहा फ़ान, इन्नका मय्यित इन्नहुम मय्यितून। अरे बदहवासो, होश में आ जाओ। अगर नफ्स रखते हो तो मौत का मजा चखना है, अगर जमीन पर रहते हो तो फना होना है, अगर आदमी हो तो मरना है। तुम्हारी औकात क्या मुर्सर आदम न रहे? और उसके बाद भी सोच रहे मौत न कहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इस जहालत का कोई जवाब है, इस हिमाकत का कोई इलाज है कि इंसान ही समझ रहा है। इसीलिए इस्लाम ने वसीयत की तालीम दी। बाद औकात आम हालात में इस्लाम ने वसीयत को मुस्तहब करार दिया, लेकिन बाद हालात में वसीयत को वाजिब करार दिया। अगर आपके जिम्मे किसी का हक है और आप फिलहाल हक अदा करने के काबिल नहीं हैं तो आपका फरीजा है कि वसीयतनामा लिखें और उसमें लिखें कि फला का इतना कर्जा हमारे जिम्मे है। खुदा करे रहमत करे इस आखिरी सदी के अजीम तरीन मुसन्निफीन इल्म रिजाल में मरहूम आयतुल्लाह मामकानी, उनके फर्जंद ने, खुद बड़े आलिम हैं, उनके फर्जंद ने अपने बाप के हालात में एक अजीब जुमला लिखा कि मैंने बाद औकात देखा कि बाबा जान रात को सोते सोते कभी 12 बजे, 1 बजे या वो उठे या मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मतलब वो घबरा के बिस्तर उठे और उसे वह चिराग की रोशनी बहुत तेज की और कलम कागज उठाया और कुछ एक लफ्ज लिखा और लिख के सो गए। सर बाबा जान शायर तो थे नहीं तो मैं समझता कोई मिसरा बन गया होगा, और अगर वाकई उसका मूड बन गया है किताब लिखने का तो एक लफ्ज की कोई किताब नहीं होती। ये क्या लिखा और लिख के सो गए। अक्सर मैंने कई मतलब ये देखा एक बार के सोते सोते उठते हैं और उठने के बाद बिस्तर से उठ के लेते लेते या बाहर उठ के एक लफ्ज की दिखा किसी कागज पर और तकिए के नीचे रख के सो गए। तो ख्याल मतलब शायद को नोट्स वगैरह की बात याद आ गई, उसको नोट कर लिया। अब सुबह बाकायदों को फैला के चार सब्जे का मजमून मसलन लिख लेंगे। कल एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कि आप सोते सोते एक बार भी उठते हैं और कि कोई एक लफ्ज कागज पर लिखते हैं और लिख के सो जाते हैं। क्या फरमाया? फरमाया कि कभी कभी ऐसा होता है कि शाम को रात को जब घर आने लगे तो रास्ते में दुकान पड़ी और दुकानदार से कुछ सामान ले लिया सुबह के नाश्ते के वास्ते, मसलन रोटी ले लिया, पनीर ले लिया, शक्कर ले ली, चाय, हर दौर का तरीका होता है, तो सामान ले लिया इस ख्याल से कि यहाँ से गुजर रहे हैं सामान ले लें, पैसे जेब में नहीं है। दुकानदार को एतबार है, वो पैसा नहीं मांगता है, मालूम है सुबह तो पैसा दे ही जाएंगे, मैं आके ले जा। एक बार की मुझे ख्याल आया कि अगर कहीं रात को मलकुल मौत आ गई तो मेरे घर वालों को ये तो मालूम है कि बाबा शक्कर लाए थे, मगर ये किसे मालूम है कि पैसा नहीं दिया था। घर वालों को ये तो नहीं मालूम है कि मैंने पैसा नहीं दिया है, तो घर वाले तो कभी अदा करेंगे नहीं जब उनको मालूम नहीं है कि बाप के जिम्मे कोई कर्ज है। और दुकानदार इतना शरीफ है कि मुझे आलिम दीन समझ के मेरी औलाद से तकादा नहीं करेगा तुम्हारे बाप के जिम्मे 2 दिरहम रह गए हैं, और हमारे इहतरामन जब जानता था कहीं कह दिया कि 2 दिरहम मरहूम के जिम्मे रह गया तो सारी कौम मार डालेगी। बेगैरत बेहया, इतना बड़ा आलिम दीन, इतना बड़ा इंसान, इतनी खिदमत की है मजहब की, उतनी खिदमत की कौम की, अगर 2 दिरहम उनके जिम्मे रह गए तुम्हें शर्म नहीं आती? उनकी औलाद से 2 दिरहम मांग रहे हो तो वो मांगेगा नहीं, इन्हें मालूम नहीं है, तो यहाँ तो न इन्हें देना पड़ेगा न वो मांगेगा। लेकिन अगर मैदान हश्र में आकर उसने मांग लिया तो वहाँ दिरहम और दीनार तो चलता नहीं, मां 2-4 नेकियां जो इंसान के नाम अमाल में है इन्हीं पर सारा कारोबार चलने वाला है। अरे उसने कहा खुदाया इस बंदे के जिम्मे मेरे 2 दिरहम रह गए हैं, या तो इससे 2 दिरहम दिलवा दे या जितनी नेकियां इसके नाम अमाल में सब दिलवा दे। तो परवरदिगार कहेगा बंदे से तुम्हारे जिम्मे 2 दिरहम बाकी थे, उनका दिया बाकी थे, ये कह रहा है या 2 दिरहम या सारी नेकियां, क्या इरादा है? बंदा क्या जवाब देगा? कहते नहीं नेकियां नहीं देंगे, दिरहम देंगे, दिरहम का रखा हुआ है। इसके मानी क्या कि 2 दिरहम के पीछे अगर वो सारी नेकियों का मुतालबा करे तो देना पड़ेगा। ये दुनियादारी नहीं है, मैशर है, क़यामत का हिसाब है। किसी का कोई हक किसी के जिम्मे रह गया तो जितना मांगेगा उसे देना पड़ेगा, या तो हक अदा करके जाए और या तैयार होके जाए, जो मुतालबा करेगा उसे पूरा करना पड़ेगा। तो मेरी जिंदगी के सारे अमाल चले जाएं खाली 2 दिरहम की शक्कर के पीछे, और मैं सोचूं कि अब अगर मैं उठ गया और आंख खुल गई और मैंने कागज पर लिखा तो दोबारा फिर नींद नहीं आएगी, 15 मिनट तक, आधे घंटे तक, 1 घंटे नींद नहीं आएगी। तो मैं 1 घंटे की नींद को देखूं या अपनी आखिरत को देखूं? ये है वो अल्लाह के नेक बंदे जिन्हें वाकई मौत याद थी, जिन्हें वाकई क़यामत और हिसाब व किताब याद था। तो ना कहाँ ऐसे लोग पाए जाते हैं, और शायद इसीलिए बुजुर्गों की तारीख हयात लिखी जाती है ताकि उससे आने वाली नस्लों को फायदा हासिल हो, सबक हासिल करें। वरना भाई इससे कोई ताल्लुक, कौन कहाँ पैदा हुआ था, कहाँ मर गया, तो दुनिया की तारीख कोई तारीख नहीं है। ये सारे वाक़यात यही वाक़यात होते हैं जो अगली नस्लों के लिए किरदार साज वाक़े होते हैं। तो वसीयत को इस्लाम ने इसीलिए अहमियत दी है कि अगर आपके जिम्मे कोई हक बंदों का है उसे भी लिख के जाइए, अगर कोई हक खुदा का बाकी है उसे भी लिख के जाइए। मसलन 2 दिन के बाद शब ईद आई, फितरा वाजिब हो गया और इतवार से निकाल के भी रख दिया तो थोड़ी देर के बाद कोई मुस्तहक मिलेगा उसे दे देंगे। और रास्ते में जा रहे थे कि किसी गाड़ी ने आगे ठोकर मार दी, गिर गए, अस्पताल पहुंचा दिए गए, हालत गैर हो गई। तो अगर अदना होश भी रह गया तो आपका फर्ज है या लिख के जाएं या किसी से कह के जाएं कि मैंने फितरा निकाला है मगर अभी दिया नहीं है, वरना आपको रोज क़यामत फकीरों के इस हक का जवाब देना पड़ेगा। खाली निकाल देने से कुछ होता नहीं, तो निकालो जेब में रख लिया, जेब से निकाला संदूक में रख दिया, संदूक निकाला जेब में रख लिया। हाँ, अल्लाह ने क्या कहा? आतु ज़कात, ज़कात अदा करो, निकालो नहीं, तुम्हारा फरीज़ा है। ज़कात को अदा करना, मुस्तहक तक पहुंचा देना। जब तक माल मुस्तहक तक न पहुंच जाए आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो सकती। लिहाजा वसीयत एक इतना अजीम मसला है इंसानी जिंदगी का कि जहां जहां इंसानी जिंदगी में कोई ऐसी बात पाई जाती है इंसान उसको दूसरों के हवाले कैसे करेगा। इसलिए आप बुजुर्गों की तारीफ पढ़ें तो आपको अंदाजा कौन बुजुर्गों में ऐसा है जिसका मुकम्मल वसीयतनामा नहीं था। सब ने अपना अपना वसीयतनामा अपनी जिंदगी मुरतब किया। और जाहिर कोई आयत कुरानी नहीं है तो इसमें तरमीम नहीं हो सकती है। चाहे तो सोचा अगर हमने वसीयतनामा लिख लिया और कल हमारे हालात बदल गए, हमारे जिम्मे 5 की नमाज की मौका मिल गया, हमने खुद ही पढ़ लिया, अब बिना वजह औलाद के जिम्मे पड़ी रह जाएगी वही पढ़ें, आयत कुरान शरीफ नहीं आपका लिखा हुआ कि बदला नहीं जा सकता। अरे हाफी ने लिखा है जिस दिन अल्लाह तौफीक दे दिया आप पढ़ लें उस सदर काट दीजिएगा, कौन सा मुश्किल काम है। या वर्षीय आपने वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरे माल में से 1/3 में वसीयत करने का हक है, सब में नहीं, बाकी वारिसों का है। मेरे माल में से 1/3 माल जो मैं छोड़ के जाऊँ फला साहब को दे दिया जाओ, मेरे दोस्त हैं, बहुत शरीफ आदमी है, बहुत मोमिन आदमी है, आपने लिख दिया और मरे नहीं इतफाक से 2 साल 4 साल 10 साल 10 साल के अंदर वो साहब बेईमान निकल गए। अब वैसे सोच रहे हैं हम तो फंस गए लिख के, ऐसी कोई मुसीबत नहीं आई है। जिस कलम से आपने लिखा है काजी हम समझे थे ये आदमी शरीफ है, मरने के बाद नेक काम करेगा हमको सवाब मिलेगा, ये तो जिंदगी में ना खैर निकल गया। अगर वो लाइन काट दिए जो दूसरा शरीफ मिले उसका नाम लिख दिए। तो आप ही का लिखा हुआ है, परवरदिगार आलम ने आपके लिखे को कबूल भी किया है और आपको बदलने का इख्तियार भी दिया। जब तक मौत ना आ जाए तब तक बदलते रहिए। फार्म बना लीजिए तो सब लिख लीजिए, खाने बना लीजिए, दुआने मैंने यहाँ तकसीम भी किया था, शायद लोगों पर उसके नमूने होंगे वसीयतनामे के, लिख लीजिए नमाज का खाना, रोजे का खाना, हज का खाना, ज़कात का खाना, खुद का खाना, लोगों के कर्ज का खाना, या अपनी अमानतों का खाना। अगर आपने पैसा अमानत कोई माल किसी के बाहर रखवा दिया है और बताना नहीं चाहते घर वालों को, वरना अभी जाके ले आएंगे और खा जाएंगे। हाँ ये होता है। लिहाजा अगर आप नहीं बताना चाहते अपने कागज में लिख के और महफूज रखे रहिए ताकि आपका माल जो दूसरे के पास रखा हुआ है वो न खाने पाए। क्या आप तो मर के चले गए, औलाद महरूम हो गई, लिखा पढ़ी तो कहीं है ही नहीं है, वो साहब मौका पा के खा के बैठ गए। नहीं, ऐसा भी नहीं। आप लिख के जाइए ताकि बाद में आपकी तहरीर लेकर आपकी औलाद या आपके रिश्तेदार खानदान वाले जाए उन साहब के पास, बाबा जान ये लिख के गए हैं कि 1 लाख रुपए आपके पास रखा है, कहाँ है वो। तो या तो वो सबूत लाएगा कि मैंने उन्हें वापस कर दिया था, ये रसीद है, और या 1 लाख देगा। तो क्यों औलाद का हक मारा जाए कि आपने इतनी मेहनत से जमा किया और महल्ले वाले खा के बैठ जाएं। उसका इंतजाम करके जाइए। यानी इंसानी जिंदगी में इबादात, मालियात, जिंदगियां, उन सब के लिए वसीयत एक बेहतरीन मसला है जिसके बगैर इंसानी जिंदगी का मुस्तकबिल तय नहीं हो सकता। और यही नहीं, ये खाना और है, खैर आप तो दुनिया से खुदा न खासा कर जा रहे हैं, लेकिन इसका मैंने और बढ़ा दिया, घबराए नहीं आप। हाँ, हालांकि खुदा खासा ही जाएंगे, खुदा न खासा कोई नहीं जाता है। हाँ, तो अगर इंसान दुनिया से जा रहा है और उसके बच्चे छोटे हैं तो ये कहा गया इन बच्चों का इंतजाम करके जाइए कि किसके हम मुकर्रम पर रहेंगे। अगर कल आप मर गए तो इन बच्चों का पुरसान हाल कौन होगा, ये भी लिखिए कि मेरे बाद जो मेरे छोटे बच्चे हैं उनकी निगरानी का काम मैंने खुदा के हवाले किया है। ये भी इंतजाम करके जाइए। नहीं जाइएगा, जाना कहीं भी नहीं है, इंतजाम करके रखिए। हाँ, जाइए का मतलब आप समझेंगे मरने का वक्त आएगा नहीं, अभी से इंतजाम करके रखिए कि खुदा न करता अगर चले जाए तो लावारिस न हो जाए तो किसके रहमो करम पर कौन देखने वाला होगा। ताकि मालूम हो जाए बच्चे कहाँ रहेंगे, माल कहाँ रहेगा। ये माल उनके कब्जे में रहेगा, बच्चे उनकी तहवील में रहेंगे, वो उस माल को उन बच्चों पर खर्च करता रहेगा जिसे आप काबिल एतबार समझते हो, जिसे आप मोतबर समझते हो, उसका इंतजाम करके जाएं। और इन दोनों के अल्फाज को पहचान लीजिए। जब माल के बारे में कोई आदमी तय करता है कि ये कहाँ जाए, कहाँ खर्च किया जाए, किसको दिया जाए, किस राह में लगाया जाए, तो इसका नाम होता है वसीयत, इसका नाम होता है वसीयत। और जब किसी आदमी को मुअय्यन किया जाता है इन सारे कामों की जिम्मेदारी देकर, तो उसका नाम होता है विसायत। यानी आपने उसको अपना वसी बना दिया गौसिया में, तो अपने बाद माल तबाह न होने पाए, औलाद तबाह न होने पाए, उसके बाद से किसी को वसी बनाया जाता है तो वसीयत भी करें और विसायत भी हो। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद मेरा माल राह खैर में लगे। कौन लगाए? अरे जिसके हाथ लग गया उसकी नजर में उससे उसके पेट से अच्छा कोई राह खैर आई नहीं, सब खा के बैठ जाएगा। लिहाजा आप माल के लिए मसरफ भी तय करें और उस मसरफ करने वाले आदमी का नाम भी तय करें। मेरी बात गौर करें, बस आपकी जहमत तमाम हो गई। जो भी आप छोड़ के जा रहे हैं उसके बारे में तय करिए कि आप इसे कहाँ खर्च करना चाहते हैं, ये माल कहाँ जाए, ये बाग किसको मिले, ये खेत किसको मिले, ये घर किसको मिले, मस्जिद बना दिया जाए, इमाम बारगाह बना दिया जाए, मदरसा बना दिया जाए, ये कहाँ जाए, ये भी तय करें। और जिम्मेदार कौन हो ये भी तय करें। वो नजारे खाली अब लिख के चले जाएंगे तो लिखा पढ़ी का एतबारी का कौन खा के बैठ जाएगा, जिम्मेदार कौन होगा? तो माल तो ये नहीं कहेगा हमने कहा ये हमारा मकान हमारे बाद मदरसा हो जाएगा, हमारी वसीयत है, जैसे हमारे बहुत मकान आते हैं, एक मकान ये तिहाई के अंदर आता है, हमने कहा ये मदरसा हो जाएगा, हमने लिख दिया, तो इसके मानी क्या? अगर सिनेमा बनाने के लिए कोई आदमी आएगा तो क्या मकान ठेके के बाहर निकाल देगा? अगर बजाय मदरसा बनाने के चार बेईमान आ जाए कि हम तो मकान में सिनेमा हॉल खोलेंगे तो क्या मकान मार के निकाल देगा उनको? मकान तो कुछ नहीं बोलेगा, बेचारा सामने पे। अब आगे सोचिएगा, बेचारा सामित है, साकिब है, उसके बारे में वसीयत की जा सकती है, उसको वसीयत नहीं की जा सकती। और जो कहें तो जो माल छोड़ गए उसके बारे में वसीयत करें, जो घर छोड़ा उसके बारे में वसीयत करें, जो जायदाद छोड़ी उसके बारे में वसीयत करें, मगर जायदाद को वसीयत नहीं की जाती है। इसके माने क्या हुए कि हर जाने वाले के लिए दो चीजें चाहिए, एक वो सामान चाहिए जिसके बारे में वसीयत की जाए, एक वो आदमी चाहिए जिसको वसीयत की जाए। वरना खाली सामान छोड़ के चले गए तो महल्ले वाले लूट खाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए पैगम्बर ने चलते चलते जो वसीयत नामा मुरतब किया कई तारे तुलगी को मुस्तकल है। मैं माल भी छोड़े जा रहा हूँ, माल का जिम्मेदार भी छोड़े जा रहा हूँ। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने किताब को भी छोड़ा और अहले बैत को भी छोड़ा है। जब तक ये रहेंगे कोई गलत तसर्रुफ नहीं कर सकेगा, गलत तफसीर न होने पाएगी, गलत तावील न होने पाएगी, गलत मानी बयान न होने पाएंगे। कुरान मजीद तबाह नहीं किया जा सकता है जब तक ये मौजूद हैं। इनको हमने महावी बना दिया। तो कानून वसीयत यही है और तरीक़ा वसीयत यही है। लिहाजा इस्लाम ने हर एक को सिखाया है और जिसने सिखाया है उससे खुद करके बतला दिया, उससे खुद वैसा इंतजाम किया ताकि उम्मत को तरीक़ा मालूम हो जाए कि अम्वाल का मुस्तकबिल कैसे तय किया जाता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा जुमला दरमियान में आ गया है, उसे भी आप जेब में रखेंगे कि सारे मसाइल का समझना हर आदमी के बस की बात नहीं है। जब पैगम्बर इस्लाम के इंतकाल के बाद खिलाफत का झगड़ा शुरू हुआ, मौलाए कायनात तो सर पर अपने असहाब के साथ, अपने खास चाहने वालों के साथ पैगम्बर इस्लाम के तजवीज़ तकसीम में मसरूफ हैं और यहाँ तय हो रहा है कि कौन पैगम्बर की जगह लेगा, कौन यहाँ बैठेगा, मसनद का वारिस कौन होगा, कुर्सी का फर्क हो रहा है। और जो होना तब हुआ, वाक़ियात आप सुनते रहते हैं। मैं तो खाली अपने मौजूद से मुतालिक एक लफ्ज़ सुनाना चाहता हूँ। जब सारा काम खत्म हो गया और मौलाए कायनात सरकार दो आलम की तजवीज़ तकसीम तकसीम से वारिग हुए तो पूछा किसी से कि आखिर मुसलमानों ने किया क्या, यहाँ तो कोई आया नहीं, तो खाली हम ही रह गए और हमारे घर वाले और हमारे चंद चाहने वाले। तो आखिर मुसलमान कर क्या रहे थे? लोगों ने कहा हुजूर तय कर रहे थे कि पैगंबर का जानशीन कौन होगा। कहा तो झगड़ा किसने किसने हो रहा था? कहा मुहाजिरीन एक तरफ, अंसार एक तरफ, मक्के से आने वाले जिनको मुहाजिर कहा जाता है वो एक तरफ, वो कहते हम, और जो मदीने वाले थे वो कहते थे हम। तो मौला ने सवाल किया आखिर दोनों पर कोई दलील थी या खाली मारपीट ही कर रहे थे, यानी खाली झगड़ा हो रहा था या कोई दलील की बात थी, कौन जीता कौन हारा? लोगों ने कहा हुजूर मुहाजिरों ने मैदान जीत लिया और उन्होंने अपना आदमी तय कर लिया। कहा लेकिन दलील क्या थी? इसलिए को याद रखिएगा। कहा अंसार ने, मदीने वालों ने दलील पेश की कि सरकार दो आलम ने बार बार हमारे बारे में वसीयत फरमाई है। अंसार को हुजूर ने इतनी अहमियत दी और देना चाहिए। इसे वाकई यह है कि मुहाजिरीन का कोई ठिकाना न होता अगर मदीने वालों ने वाकई में का इस्तेमाल न किया होता और अपना भाई न समझा होता तो चंद आदमी आए थे बाहर से, सबको वहीं मार पीट के दफन कर दिया होता, किसा ही खत्म हो जाता। लेकिन ये महाजिर के मुकाबले में अंसार की शराफत थी कि उन्होंने इतना उनका ख्याल रखा, अपने घरों में जगह दी, अपने माल का हिस्सेदार बनाया, यहाँ तक इसके लिए तैयार थे हुजूर अगर फरमा दें तो हम अपना माल आधा आधा बांट लें, बल्कि मीरास भी इनको वारिस बना दें। तो सरकार बार बार ये कहा करते थे क्योंकि इनके एहसानात हैं मुसलमानों पर, इन्होंने बेहतरीन बर्ताव किया मुसलमानों के साथ, लिहाजा इनका ख्याल रखना, इनका ख्याल रखना, इनका ख्याल रखना। तो हुजूर बार बार अंसार के बारे में वसीयत और नसीहत फरमाया करते थे। तो अंसार ने कहा क्योंकि हुजूर ने हमेशा हमारे बारे में वसीयत की है, नसीहत की है, तलकीन की है, ताकीद की है, लिहाजा हमको खलीफा होना चाहिए। तो मौला ने मुस्कुरा के जुमला फरमाया, क्या नादानी की बात की है, अंसार ने क्या नादानी की दलील पेश की है, क्या अजीब और गरीब दलील पेश की है। अरे अगर हुजूर इनके बारे में बार बार वसीयत फरमा रहे थे तो ये तो खुद इस बात की अलामत है कि ये खलीफा नहीं है। नहीं पहुंचोगी, अगर हुजूर इनके बारे में बार बार नसीहत फरमा रहे थे, वसीयत फरमा रहे, ये तो खुद अलामत है कि ये खलीफा नहीं है। इसे कि खलीफा को वसीयत की जाती है, खलीफा के बारे में वसीयत नहीं। एक सलावत बोले मोहम्मद वाले। जिसको जानशीन बनाना होता उससे ये कहा जाता है कि आप ख्याल रखिएगा, जिसके लिए हो उसे जानशीन नहीं बनाया जाता। अंसार इतनी भी बात नहीं समझ सके कि अगर हुजूर ने तुम्हारे बारे में लोगों को नसीहत की है तो इसके माने कि हुजूर के बाद जिम्मेदार तुमको नहीं बनना है, जिनको जिम्मेदार बना उनसे फरमाया कि इनका ख्याल रखना। और बात सही है, तुम्हारे बारे में हुजूर ने ताकीद फरमाई है, मगर ये ताकीद इस बात की दलील है कि पैगम्बर के बाद जिम्मेदार तुम नहीं हो। खैर, इनका मसला तो हल हो गया कि ये वसीयत को दलील में ले आए। मौला ने फरमाया ये वसीयत खुद इस बात की दलील है कि इनको जानशीन नहीं होना। फिर पूछा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा? क्या वो लोग कहते कि हम पैगंबर के शजरे में हैं। किसी का शजरा 7 पुश्त के बाद हुजूर से मिल जाता है, किसी का शजरा 9 पुश्त के बाद जाके मिल जाता है, और जरा जोर लगाते हज़रत आदम तक को मिल ही जाएगा। तो कहा कि हम सब हुजूर के शजरे में हैं, अंसार हुजूर के शजरे में नहीं है। तो चूंकि हम उस खानदान में है, उसी शजरे में, लिहाजा हमें वारिस होना चाहिए, हमें जानशीन होना चाहिए। तो मौला ने फरमाया सही फरमाते हैं, शजरा सबको याद रहा, समरा किसी को याद न रहे। अरे शजरे दरख्त की हैसियत ही क्या होती है, असल तो समरो फल होता है। अरे जरा ये हो रहे क्या होता तो शजरे की क्या औकात है, हम तो समराते कल्बे पैगंबर है। सलावत बोले मोहम्मद वाले। और शायद इसी नुक्ते की तरफ हदीस मुबारक के सामने ये लोग बार बार आप पहुँचते हैं कि हर आने वाले ने जब आके सलाम किया तो जवाब में क्या फरमाया, कमरा तक वो आदमी, ये मेरे समरे कल्ब हैं, ये मेरे दिल के मेवे हैं, ये उस दरख्त उस शजरे की जान है। ज़ाहिर है कि इनको नज़रअंदाज कर दिया गया तो दरख्त की लकड़ियों की क्या औकात है, दरख्त की हैसियत क्या है। दरख्त तो दरख्त उसी वक्त कीमती कहा जाता है कि उसके अंदर समरात हों और समरात अच्छे हों। हुजूर ने इनको अपना समर करा दिया है। मौला ने फरमाया ये भी अजब मंतिक है कि शजरा सबको याद रहा और समरात कल्ब पैगंबर किसी को याद रहे। तो न वसीयत वैसी उनके बारे में वसीयत करना, न वो दलील जानशीनी है, और न शजरे में शामिल होना वो दलील जानशीनी है। और जब बात आ गई तो ये उम्र याद रखिएगा। उसके बाद एक अरसे के बाद तो फिर मौला के सामने मसला आया कि लोगों ने तय कर लिया। तो हुजूर ने फरमाया कि आज कैसे तय हुआ? कहा लोगों ने एक मजलिस शूरा बनाई और सब ने बैठ के तय कर लिया, मशवरा करके। तो माल मौला ने जुमला फरमाया कैफ शूरा वल मुशीरून गुयब, ये भी मशवरे की महफिल अजीब व गरीब है, ये शूरा भी अजीब व गरीब है, जो मशवरा देने के लायक है वो सब गायब है। ये भी अजीब महफिल मुशावरत है, मजलिस मुशावरत है कि जहाँ मशवरा तो हो रहा है और जिनमें वाकई सलाहियत पाई जाती है मुकद्दर इस्लाम के मुकद्दर के बारे में मशवरा देने की, उनमें तो कोई नहीं पाया जाता। तो शजरा लिया बेसमर, शूरा लिया मुसीबत, तो आखिर में रह क्या गया? इस्लाम बेरूह, मजहब बेजान। इसीलिए परवरदिगार आलम ने और सरकार दो आलम ने खुद ऐलान किया कि रूह इस्लाम जान इस्लाम आल मोहम्मद। इसीलिए फरमाया लो अन अहदन साम नहारा वकाम लैला, हुजूर ने फरमाया अगर कोई जिंदगी भर दिन को रोजा रखे और रात भर नमाजें पढ़े, हज बैतुल्लाह करे, कोई है वो कुबैस के बराबर माँ लाहे खुदा में कुर्बान कर दे, सफा और मरवा के दरमियान सही करता हो मारा जाए, वलम यो आल अलीन, अगर उसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं है तो कोई अमल काम आने वाला नहीं। इसलिए कि ये सब खोल है, ये सब किशरियात है, ये सब गलाब है। असल रूह तो वो है, जान वो है। अगर बेजान है तो किसी अमल की कोई कीमत नहीं है। अमल करना है तो जानदार बनाओ। इसीलिए जब मैसाम मैदान सिफीन में मौलाए कायनात आए और मुसल्ला भी जा दिया, इब्न अब्बास ने कहा हुजूर लड़ाई हो रही है, तलवारें चल रही है, क़यामत आई हुई है, आप मुसल्ला भी साहब हैं? फरमाया इन्नमा नुक़ातिलुहुम अलस्सलाह, हम तो इसी नमाज के लिए लड़ रहे हैं, हम इसी नमाज के लिए जंग कर रहे हैं। मौला ने फरमा दिया, इब्न अब्बास समझ गए। मैंने भी फ़िक़्ह रिवायत पढ़ा, मैं सोचने लगा कि मौला ने क्या फरमाया, हम इनसे नमाज के लिए लड़ रहे हैं, हम इनसे नमाज के लिए जंग कर रहे हैं। अरे नमाज के लिए जंग होती है हिंदू से, नमाज के लिए जंग होगी सिख से, नमाज के लिए जंग होगी यहूदी से, नमाज के लिए जंग होगी ईसाई से, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं। आगे पढ़े, आगे आप सोचिएगा भाई, नमाज के लिए तो उनसे जंग की जाए जो नमाज नहीं पढ़ते, आगे नमाज पढ़े। शाम वाले तो नमाज पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी मस्जिद बनी हुई है, जमातें हो रही है, हंगामे है, सब कुछ तो हो रहा है, तो इनसे नमाज के लिए क्या लड़ना है? अजब नहीं मौला ने फिक्रा कह के इंसानी जहन को झिझोर दिया कि तुमने शाम में क़याम कूद देखा है, तुमने शाम वालों को रुकू सजदा कैसे देखा है? अगर हम इस उछले बैठने को रुकू सजदे को नमाज समझते तो कभी न कहते कि इनसे नमाज के लड़ रहे। हम यही समझाना चाहते, उठना बैठना और है, नमाज और है, रुकू सजदा और है, नमाज और है। यानी अगर मुझे अलग कर लिया जाए तो ये सब उठना बैठना होगा, नमाज नहीं होगा। जब मुझे शामिल कर लिया जाएगा तो क्या वो कौन बंदगी बनेगा? इस तरह बोले मोहम्मद वाले। रूह है बंदगी, जान बंदगी, विलायत आले मोहम्मद को करार दिया गया। उससे अलग होने के बाद फिर इंसान के अमल में कोई जान नहीं रह जाती। और जब परवरदिगार आलम ने ये शरफ दिया कि उनकी मोहब्बत को बंदगी की रूह और जान बना दिया, तो उन्होंने भी बशरी हद तक बंदगी का हक अदा किया। ऐसी बंदगी करने वाला कौन मिलेगा? मालिक पैगम्बर से कह रहा था, मेरे हबीब बाबुद रब्बक हत्ता याती अकल यकीन, उस वक्त तक अपने मालिक की इबादत करते रहो जब तक मौत ना आ जाए। और ये वो मेयार है जिस पर सिवाय अहले बैत की जिंदगी के आखिरी सांस तक इबादत इबादत। और दुनिया ने देखा इस मंजर को, वरना कितना आसान था जब मालूम था जब मस्जिद में काफिल है तो घर में नमाज पढ़ लेंगे, घर में नमाज पढ़ लेंगे, नमाज तो हो जाएगी, नमाज जिंदा न रह जाएगी। दादा मौलाए कायनात की समझ रहे हैं, अगर आज एक सजदे के वास्ते अगर अपने सर का जख्मी होना बर्दाश्त कर लिया जाए तो सजदों को जिंदगी मिल जाएगी, इबादतों को जिंदगी मिल जाएगी। दादा अपने सर का दोबारा होना गवारा किया, मगर मस्जिद न जाए ये मौला ने गवारा नहीं किया। एक सजदे के लिए, एक बंदगी परवरदिगार के लिए, एक जख्म खाने के लिए घर से निकल के मस्जिद तक आ लिया है, और सर कटाने के लिए वतन से निकल के करबला तक हुसैन इब्न अली। इसलिए कि जानते हैं अब वो दौर आ गया है जहाँ इतनी बड़ी कुर्बानी दरकार है। और जब चले तो इस शान से चले कि नबी का लाल आवाज दे रहा, इनकान दीन मोहम्मदिन लम यस्तकीम इल्ला बिक़त्ली या सुयूफ़ ख़ुज़ीनी, अगर नाना के दीन में इस्तेहकाम नहीं पैदा होता जब तक मेरी जान न चली जाए, मेरा सर कलम न हो जाए, आओ तलवारो ये गर्दन हाजिर, आओ तलवारो मैं जान देने के लिए हाजिर हूँ। और बाद आजा हुसैन मदीने से निकले तो ये आवाज दे के निकले, आओ ये सर हाजिर है। मगर करबला पहुँचते पहुँचते जितनी इस्लाम की जरूरत बढ़ती गई हुसैन का हौसले कुर्बानी बढ़ता गया। ए इस्लाम, अगर तुझे बराबर का भाई दरकार है तो हुसैन उसे भी कुर्बान कर देगा। अगर तुझे 18 साल के जवान दरकार है हुसैन उसे भी कुर्बान कर देगा। अगर छोटे छोटे बच्चे दरकार हैं उन्हें भी कुर्बान कर देगा। ए इस्लाम, अगर तुझे बाकी रहने के बाद से 6 महीने का बच्चा दरकार है तो हुसैन इस कुर्बानी के लिए भी तैयार है। सारा घर लुटा दूंगा मगर दीन खुदा को तबाह बर्बाद तो होने दूंगा। और हुसैन ने दीन खुदा को वाकई बचा लिया इतनी बड़ी कुर्बानी देकर। और उसके बाद देखा अगर ये पैगाम कहीं दब जाने का खतरा हो तो आवाज भी बहन। अब इसके बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है, खेमे से निकलते निकलते आवाज ज़ैनब मेरी सकीना से होशियार, बेटी मेरे बीमार बेटे से होश, बहन मेरे बीमार बेटे से होशियार। ये वसीयत करके हुसैन निकले। ये आखिरी बात थी जो हुसैन ने बयान की, हे बहन ज़ैनब मेरी सकीना से होशियार रहना और मेरे बीमार बेटे से होशियार। बहन ने भाई की वसीयत पर कैसे अमल किया? खेमों में आग लगी हुई है। मुअर्रिख़ करबला कहता है कि मैंने देखा एक मुअज़्ज़मा बार बार कभी जलते खेमे में जाती है कभी बाहर निकल आती। मैंने पुकार के कहा बीवी क्या इन खेमों में आपका कोई कीमती सामान रह गया जो आप शोलों की परवाह किए बगैर शोलों में चली जाती है? फरमाया माले दुनिया में कुछ नहीं रह गया, मेरे भैया की अमानत रह गई। लोग ज़ैनब ने पहली वसीयत पर अमल किया, जलते खेमे से बाहर निकली बीमार को हाथों पर लिए हुए। भैया गवाह रहिएगा आपकी इस वसीयत पर अमल हो गया। और दूसरा मरहला था ज़ैनब मेरी सकीना से होशियार। जब शाम गरीबा का सन्नाटा छाया और बच्ची नजर न आई तो मकतल में निकल बोली ए सकीना, ए मेरी सकीना। अब जो आगे बढ़ी देखा बच्ची एक लाश है बेटा से लिपटी हुई है। ए बेटा कैसे पहचाना ये बाबा का लाश है? तब भी अम्मा में आवाज देती आई बाबा बाबा। अंधेरी रात में कुछ दिखाई नहीं देता बाबा, बेटी आपका कैसे आए? ए बुबी अम्मा इसका की गर्दन से आवाज है एलैया एलैया या सुकैना, आ मेरी सकीना आ मेरी बेटी आ बाबा। सयअलमु लज़ीन ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लबून। इन्ना लिल्लाहि व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।